हेलो एवरीवन। सो आज से हम लोग एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है 5 इयर्स प्लान इन इंडिया गोल्स एंड अचीवमेंट, जो कि आपकी बुक के हिसाब से चैप्टर 2 है। सो होपफुली आपने पहला चैप्टर बहुत एंजॉय किया होगा। सो इस चैप्टर में क्या होने वाला है वो आपको थोड़ा वीडियो के एंड में पता चलेगा, लेकिन बस अभी आपको मेरी बातें सुनते जानी है। जो मैं जो भी कहते जाऊंगा बस वो आपको अभी चुपचाप सुनते जाना है। देखो, पहले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा कि आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिया के बाद हमारी इंडिया की जो इकोनॉमिक थी वो क्या थी, बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमिक थी। इसका रीजन ये था क्योंकि उस समय लोग क्या करते थे, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस देते थे। और ये मैंने आपको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो टॉपिक था उसमें बता चुका था कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सब एग्रीकल्चर में डिपेंड थे। वैसे ज्यादा से बहुत कम से कम लोग क्या करते थे, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर में एम्प्लॉयड, मतलब बहुत इंगेज कम थे, मतलब सेकेंडरी और टर्जरी को बहुत कम इंपॉर्टेंट देते थे लेकिन एग्रीकल्चर को बहुत इंपॉर्टेंट देते थे। साथ ही साथ उन्होंने ये जाना कि बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमिक इसलिए थी क्योंकि हमारी इंडिया के बाद जो सिचुएशन थी कंट्री की वो बहुत पॉवर्टी में थी, सब गरीब में, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गरीब थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब बहुत कम उम्र तक जीते थे ऑन एन एवरेज, और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें हम लोग ने जानी थी कि बर्थ रेट, डेथ रेट और भी सारी बहुत सारी चीजें जानी थी। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को ना हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहते हैं। ठीक है, ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने देखी यहाँ पे और भी बहुत सारी है, लेकिन इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स है ये सारी क्या हमारे लिए प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक मतलब कंट्री की प्रॉब्लम। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी एक प्रॉब्लम है। अब इस चैप्टर में 5 ईयर प्लान्स में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ने ये सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया, ये सारी प्रॉब्लम्स का एंड कर दिया। लेकिन आज भी आप देखोगे पॉवर्टी आज भी घटी नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ आज भी बहुत सारे पीपल बेरोजगार हैं जिनके पास जॉब वॉब नहीं है। तो मतलब गवर्नमेंट ने ट्राई तो किया, लेकिन वो सब चीजें जो गवर्नमेंट ने किया वो सब चीजें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो 5 ईयर प्लान इन इंडिया मतलब ऐसे 5-5 साल के प्लान जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से किया कि ये सारी प्रॉब्लम जल्द से जल्द खत्म किया जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी भी ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी है जो अभी भी इंडिया में है। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं तो ये जो सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना सो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने इसके बारे में बहुत सोचा कि यार क्या करे ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे खत्म करे, ये सारी प्रॉब्लम्स को हम कैसे खत्म करें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमीशन, प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश कर दिया या फिर बना दिया। क्या कर दिया, प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया, इस्टेब्लिश कर दिया। अब सर ये प्लानिंग कमीशन क्या है? बच्चों प्लानिंग कमीशन कोई कुछ नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक अथॉरिटी है जहां पे बहुत सारे लोग दिन रात बैठ के ये सोचते हैं कि कैसे हम जितनी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसे खत्म कर दे। तो प्लानिंग कमीशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो दिन रात ये सोचती है कि कोई भी कंट्री की जो भी प्रॉब्लम है उसे हम कैसे खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो ये जो प्लानिंग कमीशन है ना, ये सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या है, सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो वैसे ही ये प्लानिंग कमीशन भी एक सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो कि गवर्नमेंट ने 1950 को लाया था। ठीक है, इंडिपेंडेंस के 3 साल के बाद लाया था। ठीक है, तो होपफुली अभी आपको ब्रॉड समझ में आ गया कि 5 ईयर प्लान में हमें करना क्या, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को हमें कैसे खत्म करना है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें की, क्या की वो सब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सोचा इंडिपेंडेंस के बाद कि जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसे कैसे निपटाया जाए, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, प्लानिंग कमीशन बैठा दिया 1950 को, जो वो दिन रात सोचते हैं कि कैसे हम ये जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये सारे प्रॉब्लम्स को हम खत्म कर दें। अब यहाँ पे दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर ना, जो भी प्राइम मिनिस्टर रहता है ना, वो चेयरपर्सन होता है इस प्लानिंग कमीशन का। प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन होता है। तो एक मार्क्स में आपको कभी भी पूछ सकता है कि प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन हमेशा कौन होता है,
या फिर आपको कभी कभी लॉजिकल भी पूछ सकता है। वो ऐसा पूछ सकता है कि बताओ कि प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन 1950 को कौन था। तो अब आपको पता होना चाहिए कि भाई मतलब जैसे ही कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला तो सबसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो वो 5 साल तक रूल किए, तो आप ये लॉजिकल क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू चेयरपर्सन होंगे प्लानिंग कमीशन के। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें जो लॉजिकल आपसे पूछ सकता है, जो आपको ये जो नोट्स है अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो इस नोट से आपको इजिली हर सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो प्लानिंग कमीशन को भी आपका ऐसा पूछ सकता है कि कब फर्स्ट टाइम आया था 1950 को। अब इससे रिलेटेड मुझे आपको और एक चीज बतानी है कि ये जो प्लानिंग कमीशन है ना, जो आपको 1950 में आया, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसका नाम चेंज कर दिया और फरवरी फरवरी 2050 को इसका नाम प्लानिंग कमीशन से चेंज कर दिया पॉलिसी कमीशन में। ठीक है, तो ये भी आप 1 मार्क्स में पूछ सकता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब आपने सारी बातें जानी। अब क्या होता है कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्लानिंग कमीशन क्या करती है, वो दिन रात क्या करती है, इकोनॉमिक प्लानिंग करती है। वो ऐसा प्लान करती है जिससे ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, ये एक ऐसी अथॉरिटी है जहां पे गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम खत्म हो जाए। इसके बारे में और थोड़ा सा डीपली जानेंगे, लेकिन इसको जानने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं जिसके कारण आप इकोनॉमिक प्लानिंग इजिली समझ पाओगे। तो देखो, सबसे पहले तो एक कॉमन सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करना ये चुन्नू लाल है। ये क्या है, चुन्नू लाल, ये बहुत मोटा है। ठीक है, ये जब भी अपने स्कूल में जाता है ना, तो सब लड़की लोग इसको चिढ़ाते हैं, ए मोटल्ला आ गया, मोटल्ला आ गया। ठीक है, तो ये बहुत मोटू है। तो इसको एक दिन बहुत गुस्सा आया, इसका ना एकदम बहुत बहुत इसके सामने बहुत गुस्सा आ गया। अरे यार, मेरे को सब लोग चिढ़ाते हैं, मेरे को सब लोग चिढ़ाते हैं। तो इसने क्या कर दिया, टारगेट बना दिया कि मुझे तो स्लेंडर मतलब पतला होना है, मुझे क्या होना है, पतला होना है। इसने क्या कर दिया, टारगेट बना दिया, मोटा है ये इसकी प्रॉब्लम है, मोटा है ये इसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, टारगेट बना दिया कि मुझे तो पतला होना है। तो अब इसके साथ ही साथ इसने क्या किया, एक टाइम सेट कर लिया। इसने क्या कर दिया, स्पेसिफाइड मतलब एक टाइम इसने बता दिया अपने आप को कि मुझे तो पतला होना है, और मैं पतला 2 महीने के अंदर होके दिखाऊंगा और अपने स्कूल वाले को सबका मुंह चुप करके रख दूंगा और मैं पतला हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसने एक टारगेट बना दिया और इसने ये डिसाइड कर लिया कि इस टारगेट को मैं 2 महीने के अंदर पूरा करूंगा, मतलब मैं पतला होऊंगा 2 महीने के अंदर। अब पतला होने के लिए इसने क्या किया, बहुत सारे प्रोग्राम और पॉलिसीज अपनाए। जैसे इसने क्या क्या पॉलिसी बनाया अपने लिए कि यार मैं तो हर सुबह ना 5:30 को उठ जाऊंगा, और मैं प्रोग्राम क्या बनाया कि मैं ना साइकिलिंग करने जाऊंगा, मैं स्कीपिंग करूंगा। ठीक है, तो ऐसी सेम चीज जो आपने एग्जाम्पल में देखी, यहाँ पे वैसे ही हर इकोनॉमिक हर कंट्री की भी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। जैसे चुन्नू लाल की प्रॉब्लम थी, हर हर कंट्री क्या करती है, टारगेट बनाती है कि वो कैसे अपने प्रॉब्लम्स को खत्म कर ले। तो वो क्या करती है, टारगेट बनाती है और वो ऐसा वो क्या करती है, टाइम भी बता देती है कि मुझे इस टारगेट को इस समय तक कंप्लीट करना है, और उसके लिए वो क्या करती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाती है। अगर मैं आपको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो जैसे इंडिया में क्या थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो हमारी कंट्री ने क्या किया, टारगेट बनाए और उन्हें बहुत सारे स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वो बेसिकली क्या थे, 5 ईयर्स थे। देखो, 5 ईयर प्लान इन इंडिया, सो मेजोरिटी जितने भी 90% चीजें वो 5 ईयर प्लान बनाते थे, जिसके कारण वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को खत्म कर दे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, दिन ब दिन कोई कोई नए नए प्रोग्राम्स आते हैं। जैसे आपने वो मनरेगा सुना होगा, ठीक है, मनरेगा करके एक कुछ सुना होगा, जहां महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो ये ऐसा कुछ था जहां पे आपको बेसिकली एम्प्लॉयमेंट देना था, ये सारी चीजें करनी थी, तो कहीं ना कहीं पे पॉवर्टी खत्म हो जाती। तो बहुत सारी गवर्नमेंट ने भी क्या क्या प्रोग्राम्स और पॉलिसीज किए जिससे उनका टारगेट कम्प्लीट हो जाए, और जिस टाइम में उन्होंने बनाया है इस टाइम तक कम्प्लीट करना है, वो उस समय तक वो पूरा उनका टारगेट कम्प्लीट हो जाए। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक प्लानिंग भी है ना, वो एग्जैक्ट सेम है। जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग में आप क्या करते हो, सबसे पहले सेट टारगेट करते हो। जैसे आपने अभी देखा ना, दोनों एग्जांपल में हम लोगों ने क्या किया, टारगेट सेट किया। सेकेंड चीज, पहले यहां पे मैं लिख देता हूं, फर्स्ट वन वन टारगेट, सेट ऑफ टारगेट। सेकेंड चीज क्या किया, उन्होंने एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम बता दिया कि हाँ, हमें अपना टारगेट को इस समय तक कंप्लीट करना है। जैसे स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे मैं सेकेंड डाल देता हूँ। थर्ड चीज उन्होंने क्या किया, इस
टारगेट को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज क्या कर दिए, स्पेसिफाई अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज उन्होंने बना दिए, जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, अपना टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग बच्चों बेसिकली यही है जो भी मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो अगर आप मेरे से एक बार पढ़ोगे तो इट रिफर्स टू द सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी, देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन देखता है, ये प्लानिंग कमीशन अथॉरिटी देखती है। दिन भर सोचती रहती कैसे हम ये जितनी भी इकोनॉमिक की प्रॉब्लम है इसे हम खत्म कर दे, है ना। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, इट रिफर्स टू द सिस्टम अंडर विच सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, ये जो भी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है, प्लानिंग कमीशन या फिर आप पॉलिसी कमीशन कह दो, ये क्या करती है, एक टारगेट सेट करती है। ठीक है, और वो टारगेट को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बनाती है टू अचीव दोस टारगेट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है, वो क्या करती है, इस प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को अचीव करने के लिए स्पेसिफाइड टाइम बनाती है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया, सेम चीज है बच्चों, जिसको बस टेक्निकल वर्ड्स में आपको यहाँ पे कह दिया है। ठीक है, विद अवेलेबल रिसोर्सेज मतलब जो भी कंट्री के पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उससे कैसे कंट्री अपना टारगेट सेट कर सकती है, उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए कैसे स्पेसिफाइड टाइम कर सकती है, उस और वो टारगेट को कंप्लीट करने के लिए कैसे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बना सकती है। ठीक है, जिससे उनका टारगेट कंप्लीट हो जाए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग बच्चों ये एग्जैक्टली। ठीक है, तो होपफुली आपने आज का जो लेक्चर है वो आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो ये लेक्चर्स को अच्छे से नोट कर लेना, और मैं हमेशा कहता हूँ कि सभी बच्चे क्या करें, ज्यादा से ज्यादा बुक रीडिंग करें। ठीक है, क्योंकि ये बुक रीडिंग से किया है, भले आपके पास कोई भी बुक हो, बस एक बार बुक उठा के आपको क्या करना है, रीड करना है, आपको भी सारी बुक में यही सारी चीजें मिलेगी। और बुक वो वाली लेना जो आपको इजिली समझ में आए, जिससे जिसकी लैंग्वेज आपको इजी लगी, वो वाली बुक आप उठा के लेना, स्टेशनरी जाना, स्टेशनरी में देखना, एक दो बुक थोड़ी सी पढ़ के देखना, आपको वो समझ में आएगी तो वो बुक को ले लेना। और मैं हमेशा बताता हूँ कि एनसीईआरटी हमेशा ड्यू नहीं है, लोग बात बोलते हैं कि यार एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा कुछ नहीं है, जो भी बुक आपको अच्छी लगे समझ में आए वो वाली बुक आप उठा लो। और ये नोट्स तो बच्चों आप पता है बना है के रखना अपने पास, जिस तरीके से मैं यूज कर रहा हूँ ना, रेड ब्लू ब्लैक पेन, वैसे ही आप भी यूज करना, सेम जैसे नोट्स मैंने बनाया आपको भी ऐसी नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर एंड चीयर्स। हेलो एवरीवन, सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स इकोनॉमिक के बारे में। आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आज ये तीन टॉपिक जो सबको हार्ड लगता है बहुत इजीली आप सभी को समझ में आने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको एक दिक्कत आ सकती है, वीडियो लंबी जा सकती है, लेकिन बहुत इफेक्टिव जरूर रहेगी। ऐसा टॉपिक है ये, जिस तरीके से बताऊंगा लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे ये टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शायद से पहले टॉपिक लंबा हो सकता है, तो आज फटाफट इस टॉपिक को निपटाते हैं। ओके, तो देखो कोई भी कंट्री है, कोई भी कंट्री की मैं बात करूं, तो हर कंट्री की एक प्रॉब्लम या फिर उनको एक डिसीजन लेना पड़ता है। हर कंट्री, कोई भी कंट्री हो ब्रह्मांड में, कोई भी कंट्री हो, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, अमेरिका हो, कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री को एक प्रॉब्लम होती है, या फिर एक कंट्री को हमेशा एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है। वो डिसीजन और वो प्रॉब्लम ये है कि हर कंट्री की एक प्रॉब्लम होती है, तीन प्रॉब्लम होती है बेसिकली, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। हर कंट्री की तीन प्रॉब्लम होती है, फिर हर कंट्री को तीन सबसे बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। वो तीन चीज ये है कि व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस करेंगे, होम टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे। हर कंट्री की एक दिक्कत होती है कि वो ये सोचती है कि सबसे पहले हर कंट्री की गवर्नमेंट, हर कंट्री ये पहले सबसे पहले सोचती है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है, नेसेसरी गुड्स जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब नेसेसरी है। ठीक है, राइस हो गया, सब नेसेसरी, या लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करे, या फिर मिलिट्री गुड्स प्रोड्यूस करे। ठीक है, कौन सा टाइप का हमें गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, तो ये हर कंट्री को ये सोचना पड़ता है, कहीं ना कहीं पे कंट्री के लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कंट्री को सोचना पड़ता है कि उन्हें कौन सा टाइप का गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादन करना। ठीक है, कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए। सेकेंड चीज, हर कंट्री की ये भी प्रॉब्लम होती है, या हर कंट्री को एक सबसे बड़ा ये भी डिसीजन लेना पड़ता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब जो हम लोग ने डिसाइड किया कि सबसे पहले कि हम क्या प्रोड्यूस करेंगे तो उसे कैसे प्रोड्यूस करना है।
मशीन की हेल्प से प्रोड्यूस करना है या फिर लेबर की हेल्प से प्रोड्यूस करना है। थर्ड चीज, होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, रिच के लिए प्रोड्यूस करना है, पुअर के लिए प्रोड्यूस करना है, या फिर मिडिल क्लास फैमिली के लिए प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो हर कंट्री को तीन प्रॉब्लम होती है या फिर उन्हें सबसे बड़ा तीन डिसीजन लेने पड़ते हैं कि किस कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अब ये अगर मैं आप सभी ने बेसिकली इफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपने ये जो टॉपिक है इसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं या फिर इसे हम इकोनॉमिक डिसीजन भी कहते हैं। ठीक है, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ लिया बेसिकली आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, सो अब आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो ये कैसे कैसे कंट्री ये सबसे इतना जो प्रॉब्लम है या जो कंट्री का जो डिसीजन लेना चाहिए, ये वाले जितने भी प्रॉब्लम्स है ये कंट्री कैसे सॉल्व करे, ये तीनों प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करे। तो इसके साथ साथ यहाँ पर मेरे साथ लिखते जाना कि जो प्रॉब्लम्स है इसका सॉल्यूशन बच्चों बहुत इजी है, इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। सर अब ये सॉल्यूशन इसका कैसे निकालेंगे बच्चों, ये जो तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि कोई भी कंट्री क्या कर सकती है, कैपिटलिज्म या सोशलिज्म या फिर मिक्स इकोनॉमिक, ये तीन तरीके होते हैं बच्चों जिसके कारण कोई भी कंट्री ये तीनों प्रॉब्लम को हटा सकती है या फिर उसे सॉल्यूशन निकाल सकती है। सो कोई भी कंट्री, पॉइंट टू बी नोट करना, कोई भी कंट्री को इन तीनों इकोनॉमिक में से कोई एक इकोनॉमिक चुनना पड़ता है। कोई भी कंट्री चाहे कैपिटलिज्म इकोनॉमिक चुन सकती है या फिर सोशलिज्म इकोनॉमिक चुन सकती है या फिर कोई कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमिक चुन सकती है, जिससे ये प्रॉब्लम या फिर ये जो डिसीजन इकोनॉमिक डिसीजन है ये क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए या फिर सॉल्व हो जाए। ठीक है, सो बेसिकली आप सभी को मेरे साथ और एक चीज नोट करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर इंडियंस को बेसिकली जान के रखना चाहिए कि इंडिया फॉलोस मिक्स्ड इकोनॉमी। जो हमारी कंट्री होती है ना, वो जो ये तीन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमिक को चूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमिक वाली जो टेक्निक है हम उसको चुनते हैं, जिससे ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक डिसीजन है ये क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इंडिया फॉलोस मिक्स्ड इकोनॉमी, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अपने दिमाग में अच्छे से बसा लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर अब ये कैपिटलिज्म, ये सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमिक क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज दिखेगा, इसके बारे में मैं पूरा समझाऊंगा आपको, लेकिन इससे भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ क्या करना पड़ेगा, कुछ बातें को समझना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना आप कुछ भी चीज नहीं समझ सकते। ठीक है, तो वो कुछ बातें मैं अभी आपके सभी के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे मैं सभी आपको बस एक एक्सप्लेन रफ कर देता हूँ, अभी आपको नोट मत करना। अब आप सभी मेरे साथ देखते जाना कि सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कैपिटलिज्म क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चों, कैपिटलिज्म इकोनॉमिक को ना हम क्या कहते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमिक भी कहते हैं, ये कैपिटलिज्म का दूसरा नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डिसीजन होते हैं, जो भी इकोनॉमिक डिसीजन है, ये तीन डिसीजन यहाँ पे सॉल्व होता है, लेकिन ये जो इकोनॉमिक है इसे प्राइवेट सेक्टर ओन करता है, इसे क्या, प्राइवेट सेक्टर चलाता है। ठीक है, तो कोई भी कंट्री अगर कैपिटलिज्म इकोनॉमिक चूज कर लिया ना, तो उस कंट्री में जितने भी प्रोडक्शन, जितने भी ये तीन बड़ी प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर निकालेगा, वो इसका ओनर होता है, ओन्ड मतलब उसका ओनर होता है प्राइवेट सेक्टर वाला। जैसे पब्लिक हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल, पब्लिक बस प्राइवेट बस, है ना, तो प्राइवेट सेक्टर भी वैसा ही है जिसको हर इंडिविजुअल अपने लिए चलाता है। ठीक है, तो ये कैपिटलिज्म इकोनॉमिक क्या होती है बच्चों, मार्केट फोर्सेस से चलती है। सर अभी मार्केट फोर्सेस क्या है, देखो यही चीज मैं अभी आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, बहुत ब्रीफली देखना तो लंबा टॉपिक है। देखो डिमांड, मार्केट सप्लाई मतलब बच्चों कुछ नहीं होता है, डिमांड एंड सप्लाई। देखो डिमांड मतलब होता है कुछ भी चीज की
मांग करना, उस चीज को आप करते हो ना, एप्पल की पापा से डिमांड करते हो, पापा मुझे एप्पल चाहिए, है ना। तो वो जो मांग आप करते हो उसे हम डिमांड कहते हैं। और सप्लाई, सप्लाई सर, अभी सप्लाई क्या होता है बच्चों? सप्लाई उपलब्धि होती है, उपलब्ध, 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 ठीक है। तो इसका मतलब होता है बच्चों उपलब्ध करना, ठीक है। सप्लाई मतलब उपलब्ध, कितना अवेलेबल है उसे हम सप्लाई कहते हैं। सो आप सभी ने इस टर्म के बारे में जान लिया। अब मुझे आपको और एक चीज बतानी है कि जो डिमांड है ना, इसे हम ग्राफ में ऐसे शो करते हैं इस तरीके से। ये जो डंडा देख रहे हैं ना ऐसे वाला, इसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। और ये जो दूसरा है सप्लाई, सप्लाई बच्चों ऐसे दिखाते हैं हम ऐसे, ठीक है। सप्लाई हम ऐसे दिखाते हैं, डिमांड की कर्व वैसे रहती है, सप्लाई की कर्व वैसे रहती है। अब अगर मान लो आपको अमूल दूध चाहिए, ठीक है, अमूल दूध चाहिए, अमूल मिल्क आपको चाहिए, तो आप क्या करते हो, अमूल मिल्क की डिमांड करते हो। तो अमूल मिल्क की जो ये है इसे हम ऐसे शो करते हैं, डिमांड को ऐसे शो करते हैं, अमूल मिल्क की सप्लाई को हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। अब बच्चों आपने एक चीज सुना होगा कि जब भी आप अमूल दूध की डिमांड ज्यादा करते हो ना, तो देखना अमूल का प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, उसकी सप्लाई क्या कर देता है, कम कर देता है ना। तो अमूल जो मिल्क है ना, आप उसकी डिमांड तो करते हो, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं प्रोड्यूसर्स ना चालाकी करते हैं, वो क्या करते हैं उसका उसकी सप्लाई को कम कर देते हैं, जिसके कारण वो और महंगा हो जाता है कि वो प्रॉफिट ज्यादा कमा पाए प्रोड्यूसर। तो अगर मैं इसके बताऊं कि ये जो डिमांड और सप्लाई, अगर मैं अमूल मिल्क का एग्जांपल लेके चलूं, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे मैं अमूल मिल्क का ले सकता हूं। तो जब अमूल मिल्क की आप जब डिमांड करते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे होगा, और जब आप अमूल मिल्क की सप्लाई करेंगे तो उसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा होगा, है ना। तो ये हो गया डिमांड कर्व, ये हो गया सप्लाई कर्व। तो बच्चों ये जो ग्राफ है ना, इसमें हम ऐसा शो करते हैं, वैसे हर हर कंट्री ऐसी शो करती है। और जब कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड और सप्लाई आपस में एक पॉइंट पे जब मीट होता है, ठीक है, और ये जो एक्स एक्सिस है इसे हम क्वांटिटी बोलते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं प्राइस लेते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई भी प्रोडक्ट का या कोई भी सामान का सर्विस का जब डिमांड और सप्लाई जब आपस में मीट करता है इस पॉइंट में, तो ये जो पॉइंट से नीचे आप लेके जाओगे ना, तो यहाँ पे अमूल मिल्क की क्वांटिटी पता चल जाती है, ठीक है। सपोज करना कि ये एक दो, यहाँ पे तीन, यहाँ चार, यहाँ पांच, एक दो तीन चार पांच, यहाँ पे मान लो कि सपोज करना 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50। सपोज करना कि ये जो पॉइंट है ये क्या हो रहा है, तीन में मिल रहा है, मतलब अमूल मिल्क तीन पैकेट खरीदने के लिए, अमूल मिल्क तीन पैकेट खरीदने के लिए आपको कितना प्राइस देना पड़ेगा, 30 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। तो अमूल मिल्क का तीन, अमूल मिल्क की तीन क्वांटिटी, अमूल मिल्क की तीन क्वांटिटी को खरीदने के लिए आपको कितना प्राइस पे करना पड़ेगा, 30 प्राइस पे करना पड़ेगा। तो समझ रहे हो, तो मार्केट डिमांड एंड फोर्स ना ऐसे काम करती है, ठीक है। तो जो भी कंट्री कैपिटलिज्म इकोनॉमिक करती है ना, उसका जो भी प्राइस सेट होता है ना, वो मार्केट फोर्सेस के कारण सेट होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या करते हैं प्रोड्यूसर चालाकी करते हैं, वो क्या कर देते हैं सप्लाई कम कर देते हैं। अब सप्लाई जैसे बच्चों कम कर देते हैं ना, तो पॉइंट ऐसे आता है, ठीक है, तो जिसके कारण जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, प्रोड्यूसर जानबूझ के करते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है कि ये जो भी प्रोड्यूसर्स है ना, ये प्राइवेट सेक्टर में बेसिकली आता है, प्राइवेट सेक्टर में। तो जो भी ये कैपिटलिज्म इकोनॉमिक जो भी कंट्री फॉलो करती है ना, ये तीन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिसीजन 1, 2, 3, ठीक है, तो यही है डिसीजन 1, 2, 3। तो ये ऐसी इकोनॉमिक क्या है, प्राइवेट सेक्टर से चलती है, और यहाँ पे मार्केट फोर्सेस के कारण प्राइस सेट होता है, और यहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है, ठीक है। तो कैपिटलिज्म ऐसी इकोनॉमिक होती है जहाँ पे जो भी तीन डिसीजन है वो प्राइवेट सेक्टर के ओन करती है, और वो मार्केट फोर्सेस के थ्रू काम करती है, और जिसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। अब जो भी कंट्री सोशलिज्म इकोनॉमी फॉलो करती है, जो कि ये तीन प्रॉब्लम जिसे सॉल्व हो जाए, तो वो क्या होती है बच्चों, गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब कोई भी कंट्री देखो कैपिटलिज्म कर सकती है, सोशलिज्म भी कर सकती है। तो सोशलिज्म की मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो सोशलिज्म में क्या होता है, अगर कोई भी कंट्री सोशलिज्म इकोनॉमिक फॉलो करती है, तो उस कंट्री को उस तीन जो डिसीजन है उसका सॉल्व कौन करता है, गवर्नमेंट सेक्टर सॉल्व करता है, इसमें प्राइवेट करता है, लेकिन इसमें क्या करती है, कंट्री की गवर्नमेंट। मतलब देखो इसमें क्या हो रहा था, अमूल की तीन क्वांटिटी के लिए
आपको कितना रुपीस पे करना पड़ेगा, 30। तो ये मार्केट फोर्सेस से क्या हो रहा था आपको पता चल रहा था, जब डिमांड और सप्लाई मीट हो जाती है उससे पता चल रहा था। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्ट बोल देती है कि 3 क्वांटिटी अगर अमूल मिल्क का चाहिए तो उसके लिए आपको ₹20 पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्ट बता देती है, ठीक है। तो जो भी डिसीजन है ये क्या लेती है, गवर्नमेंट लेती है। इसे ऑपरेट क्या करती है, गवर्नमेंट करती है। और जिनका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है। देखो अगर मैं आपको पानी का एग्जाम्पल बताऊं, पानी का, तो अगर ये पानी ना गवर्नमेंट के हाथ में है, पानी क्या है गवर्नमेंट के हाथ में है, अगर ये प्राइवेट सेक्टर में चले गया ना बच्चों, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा बच्चों, प्राइवेट सेक्टर क्या करेगी, पूरा पानी में कंट्रोल करेगी, जिसके कारण ना वो प्राइस, पानी का प्राइस इतना बढ़ाती जाएगी। आजकल तो हमें फ्री में मिलता है, जिसके लिए हमें थोड़ा बहुत टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर आ जाएगी ना, तो वो क्या करेगी, प्राइस इतना बढ़ाती जाएगी कि जिससे उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो बेचारा जो गरीब है जिसको पानी भी नहीं मिलता, वो बेचारा मर जाएगा, है ना। तो क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है, सोशल वेलफेयर करती है। वो क्या करती है, इस तरीके से प्राइस सेट करती है कि सारे सेक्शन के पीपल, लोग भी खुश रहे और पूरी कंट्री उससे खुश रहे, है ना। तो जो भी कंट्री सोशलिज्म इकोनॉमिक फॉलो करती है, तो तीनों प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है, गवर्नमेंट सॉल्व करता है। गवर्नमेंट ऑपरेट, गवर्नमेंट सेक्टर ओन करता है, ऑपरेट गवर्नमेंट के थ्रू रन होती है, और वो सोशल, और वो सोशल वेलफेयर चाहती है, ठीक है। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ठीक है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी, बच्चों हमारी कंट्री इंडिया जो है वो क्या करती है, मिक्स्ड इकोनॉमिक फॉलो करती है। इंडिया क्या करती है, मिक्स्ड इकोनॉमिक फॉलो करती है, ठीक है। तो ये तीनों जो डिसीजन है, 1, 2, 3, ये 1, 2, 3 जो तीनों डिसीजन है, ये क्या है, यहाँ पे देखो मिक्स्ड इकोनॉमिक, मैं एक चीज बता दूं, ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का दोनों मिक्स रहता है, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक एक ऐसी इकोनॉमिक है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी काम करती है, गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करती है। आप देख रहे हो ना हमारी कंट्री इंडिया में आज प्राइवेट बस भी है, पब्लिक बस भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, पब्लिक हॉस्पिटल है, ठीक है, प्राइवेट और प्राइवेट स्कूल है, पब्लिक स्कूल है। तो हर चीज क्या है, मिक्स इकोनॉमिक, प्राइवेट भी काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी, गवर्नमेंट सेक्टर भी काम कर रही है, ठीक है। तो ऐसी इकोनॉमी को क्या कहते हैं, मिक्स इकोनॉमी कहते हैं, जहां पे तीन जो प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हम टू प्रोड्यूस, ये क्या करते हैं, दोनों ओन करते हैं, प्राइवेट भी ओन करता है, पब्लिक भी ओन करता है, ठीक है। बोथ, मैं यहाँ पे लिखा भी है, दोनों क्या करते हैं, इसे ओन करते हैं। और चलाते कौन है बच्चों, ये चलाते दोनों मार्केट फोर्सेस के भी थ्रू होता है, गवर्नमेंट के थ्रू भी है। सर अब ये कैसे होता है, देखो मैं अगर आपको यहाँ पे समझाऊ, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊ, मान लो कि यह अमूल मिल्क का यहाँ पे ऐसे प्राइस सेट हो गया, यहाँ पे अमूल मिल्क की प्राइस ये सेट हो गई, यहाँ पे अमूल मिल्क की क्वांटिटी ये हो गई। सपोज करना कि तीन क्वांटिटी में, अगर तीन क्वांटिटी आपको अमूल मिल्क की परचेज करना है, तो उसके लिए आपको मान लो कि ₹40 देना है, ठीक है। मतलब तीन, मतलब मान लो कि अगर तीन, सपोज करना कि एक ले लो बच्चों, एक 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 अमूल मिल्क लेने के लिए आपको ₹40 पे करना है, ठीक है। तो ये आज के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो क्या हो जाती है यहाँ पे, ये तो मार्केट फोर्सेस के कारण हो गया, इतना तो आप समझ गए। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जब आपस में मीट करते हैं तो मार्केट फोर्स आ जाता है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये तो फिल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बोथ है, गवर्नमेंट भी बीच में आती है। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी बीच, जैसे मान लो कि एक क्वांटिटी लेने के लिए आपको ₹40 देना पड़ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम्हें एक क्वांटिटी बेचना है तो तुम्हें कहीं ना कहीं ₹20 और ₹30 के बीच में देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखना मार्केट फोर्स भी आ गया और गवर्नमेंट भी आ गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो मिक्स इकोनॉमिक है, जहाँ पे मार्केट फोर्स के कारण भी और गवर्नमेंट के कारण, दोनों के कारण क्या होता है, प्राइस सेट होता है एक भी कोई भी प्रोडक्ट का, ठीक है। तो यहाँ इनका मेन मोटिव क्या है, देखो जैसे यहाँ पे प्रॉफिट था, यहाँ भी प्रॉफिट है, सोशल वेलफेयर दोनों है, मतलब प्रॉफिट मोटिव भी है, सोशल वेलफेयर भी। आप यहाँ इंडिया में अगर देखोगे तो कोई कंपनीज प्रॉफिट भी कमाने के लिए काम करती है, कोई स्कूल प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है, कोई हॉस्पिटल प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है, लेकिन ऐसे भी हॉस्पिटल है जो सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करता है, ऐसे स्कूल है जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। मतलब दोनों क्या मिक्स है, देखो प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों का मिक्स, मार्केट फॉर गवर्नमेंट दोनों का मिक्स, प्रॉफिट सोशल वेलफेयर दोनों का मिक्स। तो ये मिक्स इकोनॉमिक ऐसी इकोनॉमिक होती है जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक, सोशलिज्म और ये दोनों का मिक्सचर कहलाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट फोर्सेस और गवर्नमेंट दोनों क्या करती है, प्रोडक्ट को डिसाइड करती है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। तो एग्जाम्स में ना आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कैपिटलिज्म एक्सप्लेन करो, तो आपको कुछ नहीं बताना है, आपको कैसे एक्सप्लेन करना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपको क्या करना है कि हर कंट्री में तीन प्रॉब्लम होती है, या फिर हर कंट्री को तीन डिसीजन लेने पड़ते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हम टू प्रोड्यूस, ये सब बच्चों कुछ लिखना नहीं है, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया।
आपको बस इतना लिखना व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हम टू प्रोड्यूस, हर कंट्री की इकोनॉमिक डिसीजन, हर कंट्री का एक इकोनॉमिक डिसीजन लेना पड़ता है। तो कैपिटलिज्म इकोनॉमिक में प्राइवेट सेक्टर उसे ओन करता है और वो ऑपरेट होती है मार्केट फोर्सेस के थ्रू और उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चीज अगर आप एक्सप्लेन कर दिए तो आपको फुल में फुल मिल जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है इसके बीच में डिफरेंस भी पूछ देता है, बोल देगा कि कैपिटलिज्म और मिक्स इकोनॉमी के बीच में डिफरेंस बताओ। तो देखो ओन्ड और देखो आप इजिली डिफरेंस कर दोगे, इसे कैपिटलिज्म इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर ओन करता है, मिक्स इकोनॉमी को प्राइवेट और बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर बोथ करता है। ऑपरेट ये मार्केट फोर्सेस के थ्रू होता है, लेकिन ये ऑपरेट होता है मार्केट फोर्सेस और गवर्नमेंट दोनों के। इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, इसका मेन मोटिव क्या होता है प्रॉफिट और प्लस सोशल वेलफेयर दोनों होता है। तो इसके बीच में आप क्या कर सकते हो, तीन डिफरेंस भी आराम से आप लिख सकते हो। सर अब क्या करना है, देखो बच्चों अब कुछ नहीं करना है, आपने तो सब चीज समझ लिया। अब क्या है ये देखो, सबसे पहले अब हम जानेंगे कि ये कैपिटलिज्म इकोनॉमिक को करने के, कोई भी कंट्री जब कैपिटलिज्म इकोनॉमिक चुनती है तो उसको क्या फायदे, क्या मेरिट मतलब फायदे, डीमेरिट मतलब क्या नुकसान होते हैं, तो चलो जानते हैं। देखो जो भी कंट्री कैपिटलिज्म इकोनॉमिक करती है ना, तो वो क्या करती है, देखो वो क्या करती है बच्चों, प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट, वो क्या करती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या करती है, काम करती है। आप अगर अपना बिजनेस खोलोगे ना, तो आपका कहीं ना कहीं क्या मेन मोटिव क्या होगा, आपका अपना प्रॉफिट बढ़ाने का होगा, है ना। तो जो भी कैपिटलिज्म इकोनॉमिक होती है ना, वो क्या कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल क्या कहते हैं काम करते हैं, जिनका हमेशा मेन मोटिव क्या होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्न करना, तो प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब है ऐसी ये इकोनॉमिक में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हैं। एक्सीलरेट्स द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे बच्चों कंट्री को बहुत इकोनॉमिक, कंट्री के पास बहुत पैसा आता है ये वाले मेथड को फॉलो करने से। डीमैट, इसका दिक्कत क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये बच्चों क्या कहता है, इग्नोर कलेक्टिव इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट। देखो अगर मैं अभी आपको समझाया था कि अगर आप पानी, अगर आप पानी ना अगर प्राइवेट सेक्टर के पास रहेगा तो वो क्या करेंगे बच्चों, पानी का प्राइस इतना कर देंगे जिससे उनको प्रॉफिट होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं बेचारे गरीब के लिए नहीं सोचेंगे, वो क्या करेंगे गरीब के लिए नहीं सोचेंगे, जिसके कारण गरीब बेचारे मर भी सकते हैं प्यास के मारे, है ना। तो यही है कि ये जो इकोनॉमी, जो भी कंट्री ये इकोनॉमी फॉलो करती है ना, वहां पे आप सोशल इंटरेस्ट, लोगों की तकलीफ को आप नहीं समझ सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है, तो आप लोगों की तकलीफ को नहीं समझ सकते, इसलिए ये जो इकोनॉमी है ये क्या करता है इग्नोर, मतलब ये क्या करता है इग्नोर करता है सोशल इंटरेस्ट को। अब पुअर सेक्शन में सफर डेप्रिवेशन, देखो जो भी पुअर सेक्शन के पीपल है, जो गरीब पीपल है ना, वो क्या करता है जो उनको चाहिए रहता है वो उन्हें मिलता नहीं है। जैसे अगर मैं पानी की बात करूं, तो अगर पानी का प्राइस इतना बढ़ गया तो बेचारे गरीब लोग के पास पानी को उनको अगर चाहिए तो वो पानी नहीं ले पाएंगे। तो पुअर सेक्शन में सफर डेप्रिवेशन का मतलब है जो चीज आपको चाहिए वो चीज आप नहीं ले सकते, उसे हम डेप्रिवेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरिट, ये हो गया डीमेरिट। अब बच्चों हम सोशलिज्म के फायदे और नुकसान के बारे में हम जानेंगे। देखो सोशलिज्म, जो भी कंट्री सोशलिज्म इकोनॉमिक फॉलो करती है ना, वो उसे कौन संभालता है, गवर्नमेंट संभालती है। तो बच्चों कभी भी जब भी कोई भी कंट्री का गवर्नमेंट उसे संभालता है ना, तो गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है कि हर लोगों का भला हो, हर लोगों का भला हो। तो ये क्या करती है प्रमोट्स कलेक्टिव या फिर सोशल इंटरेस्ट। वैसे ये पॉइंट मैंने सेकंड पॉइंट में भी लिखा है, प्रमोट्स कलेक्टिव इंटरेस्ट मतलब पूरी कंट्री का भला चाहती है, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव इंटरेस्ट। फोकस ऑन सोशल जस्टिस एंड सोशल इक्वालिटी, मतलब हर गरीब से लेकर अमीर, हर पीपल का वो क्या चाहती है मतलब फायदा चाहती है। तो जो भी कंट्री सोशलिज्म इकोनॉमिक फॉलो करती है तो उसके ये फायदे होते हैं। अब इसके नुकसान क्या होता है, नो कंज्यूमर सबर्जिनिटी। अब बच्चों सबर्जिनिटी का मतलब ये होता है कि आपको कोई, नो चॉइस टू कंज्यूमर, सबर्जिनिटी का मतलब होता है नो चॉइस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब कस्टमर, मतलब जो भी कंट्री ये वाली इकोनॉमिक फॉलो करती है ना, वहां पे कस्टमर्स को ऑप्शन नहीं दिया जाता। सपोज करना कि आप ना राइस लेते हो अच्छी क्वालिटी का, मतलब आप बहुत अच्छी क्वालिटी का राइस लेते हो, अगर मान लो कि गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं तुम्हें ये बेकार ये वाली जो तुम्हारी कम पैसे में सस्ते में ये वाली जो राइस है तुम्हें वही लेनी पड़ेगी, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगा, आपको वही वाला राइस खाना पड़ेगा जो गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि खाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या है वो चॉइस नहीं कर सकता, तो नो कंज्यूमर सबर्जिनिटी, डिवॉइड ऑफ इनिशिएटिव। देखो आज मैं आपको बताऊं कि आज मेट्रो, जो मेट्रो है ना दिल्ली मेट्रो, वो क्या है एक तरह गवर्नमेंट भी
और प्राइवेट दोनों ने क्या किया, मिल बांट के क्या किया, मेट्रो को चालू किया है। तो आप देखना वो कितना क्लीन रहता है। तो इसलिए जब भी प्राइवेट सेक्टर रहता है ना, तो कहीं ना कहीं पे ये भी एक फायदा होता है कि बहुत सारे हमें क्या मिलता है, इनिशिएटिव्स मिलता है, मतलब हमें बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं, बहुत सारे हमें एडवांटेज मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट चलाती है, इसलिए यहाँ पे क्या है, प्राइवेट सेक्टर इज नॉट अलाउड, मतलब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं रहता। तो यहाँ पे क्या रहता है, हमें डिवॉइड ऑफ इनिशिएटिव, हमें कोई भी इनिशिएटिव नहीं मिलता। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमिक फॉलो करती है, अब ये हमारी कंट्री भी फॉलो करती है, तो ये आपको प्रैक्टिकली पूरा समझ में आएगा। देखो रिस्पेक्ट कंज्यूमर सवर्जिनिटी, देखो आज हमारे कंट्री में बहुत सारे राइस है, ठीक है, बहुत सारे चावल है। तो जो भी पीपल को जो भी क्वालिटी का चावल रहता है वो अपने हिसाब से ले लेता है ना। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, कंज्यूमर सवर्जिनिटी मतलब यहाँ पे कंज्यूमर अपने हिसाब से जो भी उसे चाहिए, अगर मान लो कि कंट्री ने बोला कि नहीं तुम्हें सिर्फ मारुति सुजुकी की कार ही लेनी पड़ेगी, तुम और कोई कंपनी और कोई कंट्री की कार नहीं ले सकते, ठीक है, तो सोशलिज्म में वो चीज होता है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है, आप कोई भी कंट्री की मतलब कोई भी कंपनी की कार ले सकते हो, चाहे फोर्ड ले सकते हो, बीएमडब्ल्यू ले सकते हो, ऑडी ले सकते हो, या कोई भी चावल पूरा, अगर आपको सस्ते वाला चाहिए तो आप सस्ता वाला ले सकते हो, महंगा वाला चाहिए तो महंगा वाला ले सकते हो। तो मिक्स इकोनॉमी में यही फायदा रहता है कि कंज्यूमर को एक चॉइस मिल जाती है, कस्टमर को एक चॉइस मिल जाती है कि वो अपने मर्जी से कुछ भी चीज को ले पाए या फिर कोई भी चीज को यूज कर पाए। सेकेंड है मिक्स इकोनॉमिक में सबसे बड़ा ये फायदा होता है, इनहेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। देखो यहाँ पे बच्चों क्या था, यहाँ पे आपको पैसा ज्यादा मिलता था, यहाँ पे कंट्री क्या करती है पूरे लोग के बारे में सोचती है, सोशल इक्वालिटी। तो मिक्स इकोनॉमिक बच्चों ये दोनों में काम करता है, पैसा भी कमाओ, ये इकोनॉमिक ये कहता है कि पैसा भी कमाओ लेकिन लोगों का भला करके, ठीक है। तो इनहेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, इसलिए मैंने लिखा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसा तो कमाओ विद सोशल जस्टिस, मतलब लोगों का भला करते हुए कमाओ पैसा, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक का बच्चों डिमेरिट्स ये रहता है, यहाँ पे इनएफिशिएंसी एंड करप्शन बहुत रहता है। देख रहे हो इंडिया में करप्शन कितना है, तो जो भी मिक्स्ड इकोनॉमिक फॉलो करता है ना, वहाँ पे इनएफिशिएंसी रहती है और करप्शन रहता है। क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, अगर मान लो कि जो भी कस्टमर, जो भी मतलब प्रोड्यूसर, अगर मैं प्रोड्यूसर की मैं बात करूँ, तो प्रोड्यूसर क्या चाहता है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, ठीक है। प्रोड्यूसर क्या करता है, बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट बीच में आ जाती है, बोलती है कि नहीं तुम इससे ज्यादा ऊपर प्रॉफिट, इससे ज्यादा कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कर नहीं सकते, इंक्रीज नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट जो रहता है ना वो लैक रहता है, मतलब जो भी प्रोड्यूसर जो चाहता है वो उसको मिलता नहीं है, तो जिसके कारण वो क्या करता है, करप्शन करता है, पैसा ब्लैक मनी कमाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये वाले इकोनॉमिक में क्या रहती है, इनएफिशियंसी एंड करप्शन रहता है। सेकेंडली यहाँ पे रैपिडली शिफ्टिंग टू प्राइवेटाइजेशन, देखो आज इंडिया में ज्यादा से ज्यादा जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है ना वो क्या हो रही है, प्राइवेट केस में शिफ्ट हो रही है। प्राइवेटाइजेशन मतलब गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट से कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी चीज है, गवर्नमेंट की कोई भी हॉस्पिटल स्कूल, वो क्या हो रहे हैं आजकल प्राइवेट में शिफ्ट हो रहे हैं, प्राइवेट प्राइवेट इसमें शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। तो आजकल ना जो भी मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करता है ना, वहां पे क्या होता है, गवर्नमेंट से फटाफट प्राइवेटाइजेशन में शिफ्ट नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो आज आपने क्या समझा, आज आपने समझा तीनों इकोनॉमी के बीच में, तो हर कंट्री की तीन प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस। और इसे सॉल्व करने के लिए, इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए कंट्री क्या कर सकती है, तीन तरीके तो अपना सकती है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म या मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जो कैपिटलिज्म करता है वहां पे तीन डिसीजन, जो भी ये तीन डिसीजन है, ये सॉल्व कैसे हो सकते हैं, मार्केट फोर्सेस के थ्रू सॉल्व हो सकते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर ओन करता है और इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। और जो भी सोशलिज्म इकोनॉमिक फॉलो करता है वो उससे ये तीन प्रॉब्लम गवर्नमेंट के थ्रू सॉल्व होती है, गवर्नमेंट क्योंकि पूरे सेक्टर को ओन करती है जिनका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर होता है। मिक्स्ड इकोनॉमिक बच्चों ये तीनों का एड है, ठीक है, ये दोनों का एड है, ये दोनों का एड है, ठीक है। तो इसे हम मिक्स्ड इकोनॉमिक कहते हैं। और इसके बारे में आपने मेरिट और डीमेरिट्स के बारे में समझ लिया, तो आप ये क्या करना, ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपको क्या करना है, ये टॉपिक्स को नोट करना है, ठीक है। पॉज करके वीडियो नोट कर लेना, मतलब पॉज करके पूरे नोट्स को बच्चों अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको समझने के लिए चाहिए तो आप नोट कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज ये तीन काफी है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। हेलो एवरीवन, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्स ऑफ प्लानिंग के बारे में। लेकिन इससे पहले आप सभी ने मेरे साथ पार्ट फर्स्ट में इस चैप्टर की एक चीज पढ़ी थी, कि मैंने आपको बताया था कि हर कंट्री के पास क्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो
हर कंट्री क्या करती है, इन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए वो एक टारगेट बनाती है, उसके हिसाब से वो कंट्री क्या करती है, टाइम भी बनाती है कि कब तक इस टारगेट को हमें कंप्लीट करना है, और इसके लिए वो क्या करती है, कुछ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स करती है ना। तो इस जो आज का लेक्चर है वो हम यही समझेंगे कि गवर्नमेंट ऐसा कौन कौन सा प्लानिंग बनाई थी जिसके कारण ऐसा गवर्नमेंट ने कौन कौन सी प्लानिंग बनाई थी जिसके कारण जितनी भी कंट्री की प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो गवर्नमेंट बच्चों क्या है, वो जब प्लानिंग करती है ना तो दो टाइप की प्लानिंग करती है, एक लॉन्ग पीरियड प्लानिंग, एक शॉर्ट पीरियड प्लानिंग। अब मुझे आप सभी के साथ और एक बात शेयर करनी है कि ये जो शॉर्ट पीरियड प्लान है ना, ये शॉर्ट पीरियड प्लानिंग है ना, ये लॉन्ग पीरियड प्लानिंग के अंदर आता है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि लॉन्ग पीरियड के अंदर शॉर्ट पीरियड प्लान आता है। तो जब आप शॉर्ट पीरियड प्लान करोगे ना तो अपने आप लॉन्ग पीरियड प्लान भी हो जाएगा। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जैसे आप शॉर्ट पीरियड प्लान करते जाओगे तो अपने आप लॉन्ग पीरियड प्लान भी होते जाएगा। मतलब आप शॉर्ट पीरियड प्लान करोगे तो लॉन्ग पीरियड प्लान भी अपने आप होता जाएगा, ठीक है। तो आज हमारा ये टारगेट है कि आज हम ये जानेंगे कि बेसिकली लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड में होता क्या है, मतलब एक्चुअल में इसमें हम करते क्या है, ऊपर ऊपर से बताना आप सभी को जरूरी है कि दोनों के बीच में साथ ही साथ इसके साथ आप डिफरेंस भी आप इजिली बता पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, लॉन्ग पीरियड मैंने यहाँ पे लिखा है, शॉर्ट पीरियड लिखा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे और एक चीज बना लेनी थी, यहाँ पे मैं एक बेसिस बना देता हूँ जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे। तो देखो, ये लॉन्ग पीरियड प्लानिंग ये ऐसी प्लानिंग होती है जो हम 20 साल तक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जैसे आपने समझा था ना कि मैंने आपको बताया था कि वो टारगेट सेट करती है, टाइम सेट करती है, तो कोई भी जब प्लानिंग करती है कंट्री, वो क्या करती है, टारगेट तो बनाती है, शॉर्ट पीरियड में भी देखो टारगेट बनाएगी, लॉन्ग पीरियड में भी टारगेट बनाएगी, लेकिन क्या करती है उसके साथ वो टाइम टाइम भी सेट करती है कि किस टाइम तक उन्हें ये टारगेट को कंप्लीट करना है। तो जब भी कोई भी गवर्नमेंट या कंट्री जब लॉन्ग पीरियड इस्तेमाल करती है तो वो क्या करती है, उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए वो 20 साल का टाइम लगाती है, लेकिन शॉर्ट पीरियड में वो टारगेट को अचीव करने के लिए वो क्या करती है, 5 साल में उसको अचीव करने का ट्राई करती है, ठीक है। तो लॉन्ग पीरियड में 20 ईयर्स, मतलब जो भी टारगेट है वो हमें 20 साल के अंदर अंदर या 20 साल तक कंप्लीट करना है, शॉर्ट पीरियड में जो भी हमें टारगेट है वो हमें क्या करना है, 5 साल तक कंप्लीट करना है। देखो अब ये दोनों के बीच में ना, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। शॉर्ट पीरियड के अंदर भी आपको बहुत सारे 5 ईयर प्लान्स भी दिखेंगे, ये सारी चीजें भी होगी जिसके बारे में हम थोड़े देर के बाद डिस्कस करेंगे या फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब टारगेट तो आपने जान दिया, ठीक है। अब सेकेंड चीज है अल्टरनेटिव नेम, मतलब अलग अलग नाम, अल्टरनेटिव मतलब अलग अलग नाम, ठीक है। तो लॉन्ग पीरियड के अलग अलग नाम क्या है, शॉर्ट पीरियड के अलग अलग नाम क्या है। तो देखो, लॉन्ग पीरियड को हम पर्सपेक्टिव प्लान या फिर प्लानिंग ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग थोड़ी काट पीट के लिखा है, तो आप नोट कर लेना, मैंने लिखा है PERSPECTIVE, पर्सपेक्टिव प्लान या फिर प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। और शॉर्ट पीरियड को हम, शॉर्ट पीरियड का भी अलग अलग नाम है, शॉर्ट पीरियड को हम 5 ईयर प्लान कहते हैं या फिर प्लान ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या अलग अलग नाम है, लॉन्ग पीरियड को और पर्सपेक्टिव प्लान भी कहते हैं और प्लानिंग ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, शॉर्ट पीरियड को हम 5 ईयर्स प्लान भी कहते हैं और प्लान ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। अब ये जो लॉन्ग पीरियड है ना, ये किसमें चेंज होता है, शॉर्ट पीरियड ये किसमें चेंज होता है, मतलब देखो जब भी आप लॉन्ग पीरियड करते हो ना तो आपकी कंट्री में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब कंट्री में ओवरऑल चेंज स्ट्रक्चरल चेंज कहलाता है, ठीक है। तो लॉन्ग पीरियड जब आप करते हैं ना तो पूरी, जब आप 20 साल में जैसे आप टारगेट कंप्लीट कर लेंगे ना तो आपको एक स्ट्रक्चरल चेंज दिखेगा पूरे कंट्री में कि पूरे कंट्री में क्या बदलाव आया। लेकिन जब आप शॉर्ट पीरियड प्लान यूज करते हैं ना तो उसमें क्या होता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस आता है। देखो शॉर्ट पीरियड जो प्लान होता है ना वो हम हर 5 साल 5 साल में कहते हैं, इसलिए इसका नाम 5 ईयर प्लान भी है। तो हम क्या कहते हैं, हम हमेशा 5 साल में देखते हैं, अच्छा इस 5 साल में इतना पॉवर्टी खत्म हुआ, अगले 5 साल में इतना पॉवर्टी खत्म हुआ। तो हम ऐसे ऐसे करके एवरी टाइम मेजर, मतलब ये हर समय क्या करते हैं, हम 5 साल में मेजर करते हैं। तो शॉर्ट पीरियड में क्या चेंज आता है, क्वांटिटेटिव चेंजेस आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्पेसिफिक या जनरल फोर्सेस। देखो लॉन्ग पीरियड ना क्या होते हैं, जनरल गोल्स होते हैं, लेकिन जो शॉर्ट पीरियड क्या होते हैं, वो स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं। देखो अभी ना मैं आपको समझा देता हूँ जनरल और स्पेसिफिक का क्या मतलब है, आपको इजिली समझ में आ जाएगा। देखो सपोज करना कि गवर्नमेंट ने एक टारगेट बनाया,
गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया, गवर्नमेंट ने देखो क्या बोला, पहले यहां मैं लिख देता हूँ जनरल स्टेटमेंट, और यहां पे स्पेसिफिक चेंजेस। आपको इजीली समझ, या स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिख दो यार, अभी स्पेसिफिक स्टेटमेंट। देखो दोनों के बीच में ना क्या डिफरेंस होता है, देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक टारगेट बनाया जिसमें गवर्नमेंट ने बोला कि पॉवर्टी मतलब गरीबी रिड्यूस करनी है, पॉवर्टी रिडक्शन मतलब गरीबी को कम करना है, ये हो गया जनरल स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं इस स्टेटमेंट को स्पेसिफिक स्टेटमेंट में लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, पॉवर्टी रिडक्शन बाय 20%। समझ में आ रहा है? मतलब बच्चों देखो, ये जनरल और स्पेसिफिक जो वर्ड है ना, जनरल मतलब होता है हम ऐसे ही बोलते हैं, जैसे हमें अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लाना है, ठीक है, हमें पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, ये क्या होता है जनरल स्टेटमेंट होता है। लेकिन स्पेसिफिक मतलब ऐसे होते हैं कि हम उसमें एकदम स्पेसिफिक बताते हैं, देखो पॉवर्टी रिड्यूस करना है मतलब जनरल स्टेटमेंट, स्पेसिफिक स्टेटमेंट में हम क्या कहेंगे, पॉवर्टी रिडक्शन बाय 20%, मतलब हमें पॉवर्टी को रिड्यूस करना है 20% से, ठीक है। तो ये क्या एकदम स्पेसिफिक हो गया, हम एकदम स्पेसिफिक बता रहे, लेकिन ये क्या है जनरल है। तो जो भी लॉन्ग पीरियड गोल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं जनरल गोल्स होते हैं, लेकिन जो शॉर्ट पीरियड होते हैं ना, वो क्या होते हैं बच्चों, स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस था दोनों के बीच में, ठीक है। तो अब लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड के बारे में आगे और भी बहुत देखना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से अगली लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में और अगली लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे आपको एक चीज बताना है कि ये जो पार्ट है, ये जब आप देखोगे ना टाइटल में, तो ये आपको पार्ट 3A करके दिखेगा, ठीक है। लेकिन हम लॉन्ग पीरियड पार्ट 3B में करेंगे, और शॉर्ट पीरियड जो है वो हम पार्ट 3C में करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आप टाइटल देखोगे ना, तो ये वाली जो लेक्चर मैंने आपको बताई, ये पार्ट 3A होगा, और इसके जो लॉन्ग पीरियड वाली होगी वो पार्ट 3B होगा, और शॉर्ट पीरियड वाली पार्ट 3C होगा, ठीक है। हेलो एवरीवन, सो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। सो पिछली लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग पीरियड के अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो लॉन्ग पीरियड में आपको कभी कभी एग्जाम से पूछ देता है कि लॉन्ग पीरियड के क्या क्या गोल्स या क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास GDP ग्रोथ। मैं आपको सबसे इजी मतलब बताऊं GDP का, देखो GDP का मतलब सबसे इजी टर्म्स में मैं आपको हमारी लैंग्वेज में बताऊं, तो जो भी प्राइमरी सेक्टर से जो भी पैसा आता है, सेकेंडरी सेक्टर से जो भी पैसा आता है, टर्जरी सेक्टर से जो भी पैसा आता है, आप सभी जानते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर आ गया, एनिमल हस्बेंड्री आ गया, ये सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या क्या आती है, सब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडस्ट्रीज आती है। टर्जरी सेक्टर में बच्चों जो भी इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइड करती है, वो सारी चीज आती है। तो ये तीनों से जो टोटल पैसा आता है, उस पैसे को हम क्या कहते हैं, GDP कहते हैं, ठीक है। इतने इजी से टर्म्स में GDP का मतलब। लेकिन मैं आप सभी के साथ और एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि GDP के अगर कभी कभी मीनिंग आ जाए, ठीक है, तो आप ऐसा मत लिख देना कि दोनों तीनों का जो टोटल पैसा होता है उसे हम GDP कहता है। लेकिन जब आपको GDP का मीनिंग पूछे, तो आपको क्या करना है, ये वाली मीनिंग लिखनी है। GDP मीन्स वैल्यू ऑफ अ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विदिन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ओवर 1 ईयर, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर में एक साल में कितना पैसा आता है, उसे हम GDP कहते हैं, ठीक है। तो आपको अगर एग्जाम्स में पूछे GDP का मीनिंग, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, मतलब एक ही है, लेकिन लिखने का जो टेक्निकल स्टेटमेंट है वो ये है, ठीक है। तो और यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा है, ये सब अभी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये शायद मुझे लिखना नहीं चाहिए था, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ठीक है। तो ये मुझे लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन आपको क्या करना है, GDP का यहाँ पे आप क्या करना है, नोट्स में ये बना लेना, मीनिंग लिख देना, और मुझे यहाँ पे आप सभी के साथ ये वाला पॉइंट भी शेयर करना है। देखो जब भी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती है ना, तो हमेशा कहते हैं कि GDP भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इससे पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो
मान लो कि पॉपुलेशन मतलब होती है जनसंख्या, मान लो कि आपका घर है, आपका घर नहीं बच्चों, मान लो कि ये कोई बंदा है, इसका नाम ले लो रामलाल, ठीक है, ये रामलाल एक व्यक्ति है, इसका घर है। रामलाल को पूरे मंथ में, हर मंथ में 5,000 रुपीज मिलता है। रामलाल के घर में एक रामलाल खुद है, ठीक है, और उसकी एक वाइफ है और उसका एक बेटा है सन, ठीक है, तीन लोग हैं, और रामलाल 5,000 रुपए हमेशा हर मंथ कमाता है। तो मुझे आप एक चीज बताओ कि रामलाल इजिली क्या कर लेगा, अपने जो भी घर परिवार की जो भी नीड है, जो भी उन्हें चाहिए, वो क्या कर सकता है, 5,000 से आराम से दे सकता है ना। क्योंकि देखो पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, जीडीपी मतलब आप थोड़ी देख ले, मान लो रामलाल की सैलरी, जीडीपी मतलब रामलाल की सैलरी, वो 5,000 रुपए कमाता है, ठीक है, 5,000 रुपए कमाता है। पॉपुलेशन मतलब उसके घर में जितने भी व्यक्ति है। अभी आप ये दोनों को इसके टर्म्स में समझो, ठीक है। अब देखो, अब मेरी बात मानना, अब मान लो देखो कि इसके घर में मान लो कि और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने और बच्चे आ गए रहने के लिए, ठीक है, अब ये रामलाल के साथ हमेशा रहेंगे, तो अब क्या रामलाल अपनी 5,000 की इनकम में से या इन सभी पांचों के पांच लोग को क्या वो संभाल सकता है, नहीं संभाल सकता ना। अगर मान लो कि रामलाल की सैलरी भी अगर मान लो कि 10,000 हो गई, तो अब वो क्या कर सकता है, इजिली 5 लोग को संभाल सकता है। लेकिन अगर रामलाल की सैलरी सिर्फ 5,000 है और इतने सारे लोग को संभालना है, पॉसिबल नहीं है ना बेचारे, ये सबको खाना भी कम कम दिन मिलेगा, फिर 5,000 से कम कम एकदम बेकार स्कूल में भी पढ़ेंगे, कपड़े भी बेकार पहनेंगे, मतलब कुछ हो नहीं पाएगा। तो सेम चीज कहते हैं कि जब भी पूरी, अब क्या होता है कि जब भी पूरी कंट्री की पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं, देखो रामलाल ये पूरी जो है ना रामलाल की फैमिली, ये ना मैं इसको पता है पॉपुलेशन मान लो पूरी कंट्री की पॉपुलेशन, और ये जो रामलाल की जो सैलरी है ना, इसको कुछ समय के लिए जीडीपी मान लो पूरी कंट्री की, ठीक है। तो हमेशा कहते हैं जब भी पूरी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़े, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, कंट्री का पैसा भी, जो जीडीपी है तीनों सेक्टर का जो पैसा है, वो भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ा तो इससे हो क्या जाएगा, जितने भी लोग हैं वो उनको क्या कुछ अच्छी चीजें मिल नहीं पाएगी ना, खाने के लिए कुछ मिल पाएगा, मतलब हर चीज बहुत कम कम मिलेगा, बेकार चीज मिलेगा। इसलिए हमेशा कहते हैं कि जब भी पॉपुलेशन बढ़ती है तो जीडीपी भी बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, अच्छा होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये है बच्चों जीडीपी का ग्रोथ। तो लॉन्ग ऑब्जेक्टिव में हमेशा ये भी चीज कही जाती है कि जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज है, आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे तरीके बताओ, वेस मतलब ऐसे तरीके बताओ जिससे हम जीडीपी को बढ़ा सकते हैं या फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत ईजी है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा सामान आएगा, सामान आएगा तो उतना ज्यादा बेचोगे, उतना ज्यादा बेचोगे तो उतना ज्यादा पैसा आएगा, ठीक है। अब इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब ये होता है, अब इनोवेटिव टेक्नोलॉजी या फिर अपडेटेड टेक्नोलॉजी। देखो हमेशा कहते हैं कि जब भी आप टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी लगाओगे ना, उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। देखो इसे एकदम अच्छे तरीके से मान लो कि आपको शर्ट सिलना है, ठीक है, शर्ट आपको शर्ट को सिलना है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने हाथ से या फिर क्या कर सकते हो, मशीन की हेल्प से क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो। लेकिन मुझे बताओ, मशीन से जल्दी शर्ट बनेगा या फिर हाथ से, आप सभी बोलोगे मशीन से, है ना। इसलिए हमारा लॉन्ग ऑब्जेक्टिव में ये था कि हमें जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाहिए, जिसके कारण अगर ये दो चीज होगी जिसके कारण जीडीपी भी बढ़ेगा और पूरी जीडीपी ग्रोथ भी होगी, ठीक है। तो ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन आपको ये सब चीज नहीं करना है और ये भी चीज नहीं करना है। तो अभी आपको सिर्फ नोट क्या करना है, ये नोट करना है, मीनिंग नोट करनी है, ये वाला स्टेटमेंट नोट करना है और ये वाला नोट करना है। अब मैं पलट रहा हूँ, देखो फिर अगला पॉइंट है लॉन्ग ऑब्जेक्टिव का, लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव का फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे कंट्री के सभी लोग एम्प्लॉयड है, मतलब सभी लोग काम कर रहे हैं, सबको रोजगारी मिल गई है, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि सबके पास जॉब है, सब पैसा कमा रहे हैं और रोजगारी है कंट्री में हर लोग के पास, ठीक है। तो यहाँ पे वही मतलब है, इट रिफर्स टू सिचुएशन, मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है वेयर दोज हु आर विलिंग टू वर्क, मतलब जहां पे लोग काम करना चाह रहे हैं उन्हें काम मिल गया है और वो पैसा कमा रहे हैं विद मार्केट वेज रेट, मतलब वो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे पीपल, हर पीपल के पास नौकरी है, हर बंदा धंधा कर रहा है और हर बंदे आराम से पैसा कमा रहा है, तो उसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंट्री
के पास कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता। ये तो बस बच्चों बोलने की बात होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब ये सिर्फ बोलने की बात होती है। जैसे हम भी कह देते हैं ना कि हम भी बुगाटी कमा लेंगे, मतलब हम भी बुगाटी खरीद लेंगे, हम भी फरारी खरीद लेंगे, तो ये सब बोलने की बात होती है। लेकिन ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि हर कंट्री के पास, कोई भी कंट्री, चाहे जापान हो या कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है दुनिया में जहाँ पे उनके कंट्री के सभी लोग के पास जॉब हो और सभी कमा रहे हो। हर कंट्री, कोई भी कंट्री का हर बंदा कहीं ना कहीं, कोई भी कंट्री का कोई ना कोई पर्सन हमेशा अनएम्प्लॉयड रहता है, जिसके पास बेरोजगारी, जिसके पास नौकरी या धंधा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बस फुल एम्प्लॉयमेंट ना बच्चों, ये बस बोलने की बात होती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अब मैं बता दूं ये क्या होता है, ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन मैं यहाँ पे और एक चीज बता दूं कि हर कंट्री का मोटिव है, देखो लॉन्ग पीरियड हर कंट्री चाहती है कि उनके जो भी पीपल है वो सभी के पास अच्छा नौकरी हो, सभी पैसा कमाए, ये तो हर कंट्री का टारगेट होता है। ठीक है, तो हमारी कंट्री ने भी क्या किया, एक लॉन्ग ऑब्जेक्टिव में ये भी टारगेट बना दिया कि फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। लेकिन ऐसा एक्चुअल में कभी होता नहीं है, हो भी सकता है क्या पता फ्यूचर में, लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हर कंट्री एक ऑब्जेक्टिव बना देती है कि उनका एक फुल एम्प्लॉयमेंट सभी के पास होना चाहिए। और ये क्या होता है बच्चों, एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। तो एग्जाम्स में आप सभी को पूछ सकते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट कौन सा टाइप का ऑब्जेक्टिव है, तो ये क्या होता है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। आप कभी कभी आपको एक स्टेटमेंट भी दे सकता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो एम्प्लॉयमेंट। देखो फुल एम्प्लॉयमेंट मैंने अभी आपको बताया, ये सिर्फ बोलने की बातें होती है, लेकिन हर कंट्री में क्या होती है, बेरोजगारी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कभी कभी आपको ये स्टेटमेंट बोल देगा और ये बोलेगा कि ये स्टेटमेंट आप एक्सप्लेन करके बताओ। तो ये स्टेटमेंट का ये मतलब है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देखो हर कंट्री में ऑलवेज हमेशा कोई ना कोई पीपल, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कोई ना कोई पीपल हर कंट्री में, कोई ना कोई पीपल हमेशा बेरोजगार होगा, अनएम्प्लॉयड होगा। ठीक है, ये हमेशा होता है, चाहे आप जापान चले जाए, कोई भी कंट्री में चले जाए, डेवलप्ड कंट्री में, हर कंट्री में, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्री में, आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो बेरोजगारी से सफर कर रहा है। ठीक है, तो नेचर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जिसके पास बेरोजगारी है। ठीक है, तो हर कंट्री में ये स्टेटमेंट का ये मतलब है कि हर कंट्री में हमेशा हमेशा क्या रहेगा, नेचर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब को हर कंट्री, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, अनडेवलप्ड कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री हो, हर कंट्री में नेचर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी रहेगी ही रहेगी, चाहे वो कितनी भी अच्छी कंट्री हो क्यों ना हो। अब ये होता क्या, ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस, चेंज इन टेक्नोलॉजी। देखो इसका मतलब ये है, देखो कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी आ जाती है, तो ठीक, तो बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, जो उनके यहाँ पे वर्कर पहले काम कर रहे होते हैं ना, उनको निकाल देती है कि कंट्री के पास अच्छी अच्छी मशीन आ जाती है और मशीन को चलाने के लिए सिर्फ 3 या 4 ही लोग चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कर देती है, लेबर्स को पूरे हटा देती है, जिसके कारण हर कंपनी को सस्ता हो जाता है, मतलब वो जैसी मशीन लाती है, टेक्नोलॉजी लाती है, तो उनको सस्ता लगने लग जाता है, वो लेबर को हटा देते हैं। ठीक है, तो इसी के कारण क्या होता है, हर कंट्री में कहीं ना कहीं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, तो ये आप एक पूछ सकता है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसा होता है, हर कंट्री चाहती है कि उनके यहाँ के जितने भी लोग हैं उनके पास जॉब हो। ठीक है, अब थर्ड है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इक्विटी। देखो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ना ये है, और यहाँ पे कभी कभी बच्चे क्या हो जाते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में कभी कभी आपको ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी एग्जाम्स में कह देगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इक्वल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सेम तो नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये दोनों चीज बहुत अलग है, एक दूसरे से बहुत अलग है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहले ना इक्विटेबल मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक्स में ये है कि जो भी कंट्री की इनकम है, जैसे आपकी पापा की इनकम आती है ना, वैसे हर कंट्री की भी एक इनकम आती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी कंट्री की इनकम आती है ना, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जो भी कंट्री की इनकम है वो सभी पीपल को, जो भी कंट्री के पीपल है, बहुत सारे होते हैं, मैंने यहाँ पे 2 ही पीपल बनाए, बहुत सारे पीपल होते हैं, तो जो भी कंट्री की इनकम है वो क्या करो, हर पीपल को इक्वली बांट दो। बच्चों इसका मतलब आप समझ रहे हो, अगर मान लो कि कोई भी बड़ी कंपनी ले लो रिलायंस, अगर उसकी उसकी कंपनी का वो वाली रिलायंस कंपनी का जो सीईओ है, तो आप समझ लो उसकी कितनी सैलरी होगी। मान लो कि अगर मान लो 50,000 कमा रहा है, 50K मतलब 50,000 वो कमा रहा है, और यहाँ पे एक लेबर है जो अनपढ़ गवार है, ठीक है, वो भी क्या कर रहा है, 50,000 कर रहा है। तो मतलब इसका मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है, जो भी कंट्री की इनकम है वो हर पीपल को इक्वली इक्वली बांटो, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई भी कंट्री में होना नहीं चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी कंट्री में होना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं तो इससे क्या हो जाएगा, जो ये जो सीईओ है ये भी बोलेगा मैं फालतू का इतना पढ़ लिया, इतना सब एग्जाम दे दिया, इतना
टाइम की ऐसे मैं भी लेबर बन जाता तो मुझे भी 50,000 मिलता, ज्यादा काम ही करने का जरूरत नहीं पड़ता, पढ़ाई का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, तो कभी भी कोई भी कंट्री में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने उसकी छोटी सी मीनिंग लिखी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, मतलब जो भी कंट्री की नेशनल इनकम है उसको इक्वली, हर इक्वली टू ईच इंडिविजुअल, मतलब हर जो व्यक्ति है कंट्री का, हर जो व्यक्ति है ईच इंडिविजुअल, मतलब हर एक पर्सन कंट्री का, उसे इक्वल नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, हर बंदे कंट्री का हर एक बंदे को इक्वल नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसे हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जो कि बहुत गलत है, जो कि बहुत गलत कंसेप्ट है। हर कंट्री में क्या होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सर अभी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब देखो, जब भी कोई भी कंट्री का जो पैसा है उसे हम हमें क्या करना चाहिए, हर पीपल को प्रपोर्शनेट में बांट देना चाहिए। मतलब मान लो कि ये सीईओ है तो इसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, मान लो इसका पूरा एक साल में इसको मान लो अराउंड 3 करोड़ समथिंग कमाना चाहिए। ठीक है, और कोई अगर लेबर होगा जो पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसी लेबर है, वर्कर है, तो उसकी मान लो कि पूरे हर एक साल में, मान लो कि वो हर एक साल में अगर 5,000 कमाए तो पूरे एक साल में वो कितना कमा लेगा, अराउंड 60,000, 60,000 वो क्या कर लेगा, कमा लेगा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि सीईओ जो है, जो सीईओ है, अब आप बोलोगे कि ठीक है भाई सीईओ है मतलब इसकी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए और एक वर्कर है तो इसकी सैलरी कम होनी चाहिए। तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही है कि लोगों की क्वालिफिकेशन, मतलब लोगों जो भी लोग है उसका जो भी एजुकेशन है और जो भी उसकी स्किल है उसके हिसाब से उसको पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो जो भी कंट्री की नेशनल इनकम है ना उसको प्रपोर्शनेट बांटना चाहिए सभी इंडिविजुअल को। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो भी कंट्री का व्यक्ति है, ईच इंडिविजुअल, जो भी हर व्यक्ति जो है कंट्री का, उसे उसकी स्किल एंड क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्या करना चाहिए, नेशनल इनकम को, नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, तो दोनों के बीच में बच्चों बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होता है, हर बंदे को इक्वली इक्वली बांट दो, जो कि बहुत गलत कंसेप्ट है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति है कंट्री का उसको उसकी पढ़ाई लिखाई और उसके स्किल के हिसाब से पैसा देना चाहिए। तो ये सबसे अच्छा कंसेप्ट है जो हर कंट्री में बेसिकली फॉलो होता है। ठीक है, तो हमेशा हर कंट्री में क्या होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इक्विटी, दोनों का मतलब है क्या, तो ये हर कंट्री में ये वाला कंसेप्ट फॉलो होना चाहिए। अब बच्चों मॉडर्नाइजेशन का मतलब है अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी को अपनाना, रिफर्स टू अपडेशन और एडॉप्शन ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी। मैंने यहाँ पे आपको लिखाया था कि देखो कभी हर कंट्री तभी पैसा कमा पाएगी जब उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करो। और इसका मतलब यहाँ पे ये भी है कि लड़कियों को भी, वुमेन मतलब फीमेल को भी क्या करना चाहिए, हमें नौकरी देनी चाहिए। इसलिए देनी चाहिए कि वो क्या करे, प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब वो भी क्या कर सके, काम कर सके, और वो भी क्या करे, पैसा कमा सके, इकोनॉमिक मतलब पैसा कमा सके, और सोशली मतलब जैसे आप सभी जानते हो ना, जितना आप पैसा कमाओगे उसके हिसाब से आप एसी खरीद पाओगे, फिर आपके पास और पैसा आ जाएगा, आप कार खरीदोगे और अच्छा पैसा आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, अच्छी से अच्छी बीएमडब्ल्यू ऐसी लग्जरी कार खरीदोगे। तो सोशल मतलब एक सेटिस्फेक्शन जो होता है वो क्या हो जाएगा, लड़कियों को भी मिलना चाहिए मतलब। ठीक है, तो ये पॉइंट ये भी कहता है मॉडर्नाइजेशन की अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करो और वुमेन को भी क्या करो, इम्पावरमेंट मतलब वुमेन को भी क्या करो, नौकरी दो कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन प्रोसेस में काम करे, जिसके कारण उन्हें क्या मिले, एक कंट्री को इकोनॉमिक और सोशल प्रॉस्पेरिटी मतलब ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी मतलब इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ। ठीक है, वो क्या हो, एक कंट्री को मिले। अब सेल्फ सफिशियंसी का मतलब होता है जो चीज हमारी कंट्री में है उसी चीज को इस्तेमाल करो। सेल्फ सफिशियंसी का मतलब जो चीज हमारी कंट्री में है उसी चीज का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उसका मतलब होता है सेल्फ सफिशियंसी। देखो अब यहाँ पे मैंने एक मीनिंग लिखी है, तो सबसे पहले डोमेस्टिक मतलब जानो अपनी कंट्री, डोमेस्टिकली मतलब अपनी कंट्री, अपनी खुद की कंट्री, अपनी कंट्री। ठीक है, तो डोमेस्टिकली मतलब ये होता है। तो अब आप मीनिंग पढ़ोगे, सेल्फ सफिशियंसी मीन्स डिपेंडेंस, मतलब हमें डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, मतलब हमें डिपेंडेंट होना चाहिए, जो हमारी कंट्री में सामान बन रहा है उसी के ऊपर हमें डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है जो चीज हमारी कंट्री में है हमें उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बच्चों ये ज्यादा से ज्यादा ना हर कंट्री का मोटिव होता है, हर कंट्री चाहती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कोई भी कंट्री पे निर्भर होना ना पड़े और हम अपनी कंट्री खुद से चलाए। ठीक है, तो इसमें चाइना भी बहुत आगे है। ठीक है, तो सेल्फ सफिशिएंसी मतलब होता है कि हमें अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए, कोई और कंट्री पे ज्यादा से ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए, इसे हम सेल्फ सफिशिएंसी कहते हैं। अब देखो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया को कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया,
जो भी जैसे इंडिया क्या है बच्चों, डेवलपिंग कंट्री है ठीक है, तो मस्ट नेसेसरी अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेड प्रोडक्शन टू अवॉइड डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज एंड सपोर्ट देयर पॉलिटिकल एजेंडा। देखो इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री, आपको पता है इंडिया सबसे ज्यादा क्या करता था, एग्रीकल्चर में डिपेंड करता था। तो ये जो फूड ग्रेन यहाँ पे मैंने लिखा है ना, फूड ग्रेन, इसका मतलब है हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। मतलब इंडिया को जो डेवलपिंग कंट्री है, तो हमें क्या करना चाहिए, अचीव कर लेना चाहिए सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन आइटम्स। मतलब हमें एग्रीकल्चर में खुद खुद ही निर्भर हो जाना चाहिए, और हमें एग्रीकल्चर के लिए कोई और कंट्री से ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए ठीक है। देखो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं, आपकी बुक में भी दिया है, आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कि जब कोई कंट्री अगर डिपेंडेंट होती है ना कोई भी कंट्री पे, तो उसे क्या करना पड़ता है, उस कंट्री का सपो उस कंट्री का क्या कर उस कंट्री का क्या करना पड़ता है, पॉलिटिकल एजेंडा फॉलो करना पड़ता है। मतलब कोई ना कोई, अगर अगर मान लो कि इंडिया अगर अमेरिका से डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं अगर अमेरिका कुछ चीज भी बोलेगा तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की इसमें प्रॉब्लम है। अगर वो अमेरिका को बोल देगी कि नहीं जो तुम बोल रहे हो हम वो फॉलो नहीं करेंगे, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, मतलब जो भी अगर इंडिया जो भी सामान मंगाता है अमेरिका से, तो उसको अमेरिका वाला क्या करेगा, इंडिया को वो सामान नहीं भेजेगा ठीक है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि हर कंट्री को सेल्फ सफिशिएंसी हो जाना चाहिए। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखो इंडिया में आपको पता है 1965 में क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान में बच्चों वॉर हुआ था, आपको पता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया था, उस समय 1965 में हम क्या थे बच्चों, कहीं ना कहीं यूएसए पे डिपेंडेंट थे फूड ग्रेन के लिए। सर हमारी कंट्री में तो ज्यादा से ज्यादा, आपने चैप्टर वन में बताया था, हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा 83.7% पीपल एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट थे, तभी हम यूएसए से क्यों डिपेंड हो रहे हैं। बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 83% ज्यादा से ज्यादा पीपल क्या थे, एग्रीकल्चर में डिपेंड थे। लेकिन मैं आपको और एक चीज बताई थी कि एग्रीकल्चर में भी जो उनका आउटपुट आता था बहुत कम आता था ठीक है। तो इसलिए क्या होना पड़ता था, इंडिया को कहीं ना कहीं यूएसए से भी डिपेंड होना चाहिए था खाने के लिए, फूड ग्रेन मतलब खाने के लिए डिपेंड होना पड़ता था। तो 1965 मतलब 1965 में क्या हो गया, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो गया। तो यूएसए ने बोला कि नहीं, अगर इंडिया को फूड ग्रेन चाहिए, इंडिया को अगर खाने के लिए कुछ भी सामान चाहिए, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, वॉर को एंड करना पड़ेगा। तो आप समझ लो कि जब भी कोई भी कंट्री क्या होती है, सेल्फ सफिशियंट मतलब कोई और कंट्री पे डिपेंड होती है ना, तो कहीं ना कहीं उन्हें क्या करना पड़ेगा, उस कंट्री का पॉलिटिकल एजेंडा फॉलो करना पड़ता है। जैसे इंडिया क्या कर रही, इंडिया को क्या करना पड़ा, वॉर को एंड करना पड़ा पाकिस्तान के साथ, क्योंकि यूएसए ने बोल दिया, उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने कह दिया कि अगर इंडिया को सामान चाहिए खाने के लिए, तो उन्हें वॉर एंड करना पड़ेगा। इसलिए हर कंट्री को क्या होना चाहिए, सेल्फ सफिशियंसी होना चाहिए। तो इंडिया ने भी एक लॉन्ग ऑब्जेक्टिव बनाया है कि उन्हें भी सेल्फ सफिशियंट होना है, स्पेशली फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। तो आपको पूछ सकता है कि इंडिया को स्पेशली जो लॉन्ग पीरियड ग्रोथ था, तो इंडिया को एक्चुअल में सबसे ज्यादा किसमें डिपेंडेंस चाहिए, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में चाहिए। तो बेसिकली ये पांच जो मैंने आपको बताया, ये लॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स है, आप नोट कर लो ठीक है, पॉज वीडियो करके आप नोट करते जाना ठीक है। तो मैं आज चलता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप सभी के साथ। हेलो एवरीवन, सो आज हम लोग शॉर्ट पीरियड्स गोल के बारे में जानेंगे। गोल्स को हम ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। मैंने आपको याद होगा पिछली लेक्चर्स में मैंने आपको कहा था कि जो गवर्नमेंट या जो भी कंट्री प्लानिंग करती है ना, वो दो टाइप की प्लानिंग करती है, लॉन्ग पीरियड शॉर्ट पीरियड, जिसके बारे में मैंने इसको आपको पार्ट 3A में बताया था। लॉन्ग पीरियड के बारे में आप इसके पिछले लेक्चर्स पार्ट 3B में बताया था। आज की जो टाइटल है आपने देखा होगा, मैंने पार्ट 3C बताया है ठीक है। तो ये जो आज हम लोग पढ़ेंगे ये होगा शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। और मैं आपको बता दूं, ये जो शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, ये हर 5-5 साल में होते हैं। हर क्या होते हैं, 5-5 साल में, 5-year plans, इसलिए इसे 5-year plans कहते हैं। देखो जैसे यहाँ पे 1951 है या 1956 है, दोनों में 5 साल का गैप है ठीक है। 1956, 1961, 5 साल, 19, तो आप जितने भी साल यहाँ पे देखोगे ये 5-5 साल में हो रहे हैं ठीक है। 5-5 साल का दोनों, हर इसमें गैप है। अब आपको क्या होता है, आपको एग्जाम्स में पूछ देता है कि देखो जैसे इंडिपेंडेंस सबसे पहले प्लान था हमारा 1951 को हम लोग ने चालू किया था ठीक है। तो आपको एग्जाम से पूछ सकता है कि सेवेंथ प्लान कौन से साल से चालू हुआ था और कौन से साल से खत्म हुआ था ठीक है। तो ये आपको ऐसे पूछ सकता है, और पूछ सकता है कि आपको क्या करना है इस प्लान के
ऑब्जेक्टिव्स बताना है, तो इसके सब बातें मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन आप अभी डरिए मत, क्योंकि अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसको लर्न करने की। देखो आपको यहाँ पे प्लान दे दिया गया है, ये सारे प्लान है, प्लान 1 से लेकर 12 तक, ठीक है। और ये पीरियड मतलब वो कौन कौन से साल में चालू हुए, कौन कौन से साल में खत्म हुए है। यहाँ पे मेरे को एक आइडिया है, यहाँ पे मैं आपके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ था वो प्लान, यहाँ से वो प्लान खत्म हुआ था। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ 5-5 साल का गैप है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मैंने 1 अप्रैल 1 अप्रैल सब जगह यहाँ पे 1 अप्रैल आएगा, यहाँ पे फर्स्ट हर जगह 31 मार्च आएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज, यहाँ पे मैंने एरो बताया 1 अप्रैल 1 अप्रैल हर जगह 1 अप्रैल, यहाँ पे हर जगह 31 मार्च, ठीक है बच्चों। अब सबसे इजिएस्ट वे इसको लर्न करने का मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार पेंसिल से मार्क कर देना है, ठीक है। अब ठीक, अब यहाँ पे 1 मिनट मैं यहाँ पे बता देता बच्चों, यहाँ पे आप क्या कर दो, ट्रिक लिख दो, ट्रिक इसको लर्न करने के लिए, ट्रिक, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने बनाया है, यहाँ पे आपको लिखना है 1951 और यहाँ पे आपको 3 बनाना है, इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब वैसे क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन खींच देना है और यहाँ पे आपको लिखना है, देखो यहाँ पे मैंने 1951 था तो यहाँ भी 90, तो यहाँ पे 1969 है तो यहाँ भी क्या लिखूंगा, 1969 लिखूंगा। इसके आगे मैं क्या कर दूंगा, 2 बना दूंगा। अब वैसे आपको क्या करना है, यहाँ 2 में क्या करना है, लाइन खींचना है। अब यहाँ पे 1980, सबसे पहले 1980 आप लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए आप एक चीज देखना, यहाँ 1951 है, यहाँ 1951, 1 2 3, यहाँ पे मैंने 3 लिखा, 1969 सबसे पहला है, फिर 1 2, यहाँ पे मैंने 2 लिखा, 1980 यहाँ पे मैंने लिखा, अब यहाँ पे 1 2, यहाँ भी मैं 2 लिखूंगा। अब जो बाकी बचते हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे 1992 से शुरुआत है, ठीक है, कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 लिख देना है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो आप, अब ये क्या हो गया, 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब क्या कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, बस ये लर्न करना पड़ेगा 1951 यहाँ पे 3 टाइम्स। अब इससे आपको क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, हाँ 1951 से चालू हुआ था, अब हम 1951 से 5 काउंट करें, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 5 आ गया। तो ऐसे आपको क्या करना है, अब ये 1956 को आपको यहाँ लेके आना है, फिर आपको यहाँ 1956 से आपको 5 बार काउंट करेंगे, 1961 आएगा, फिर 1961 को यहाँ पे लेके आना, फिर यहाँ से 5, यहाँ पे 3, तो देखना यहाँ पे 3 का 1 बन गया, तो ये क्या हो गया, एक पार्ट हो गया। वैसे ही यहाँ पे आपको पता चल गया, आपको बस ये रटना है, ठीक है, आप ये रट्टा मारोगे अपने आप सब हो जाएगा। अब यहाँ 1969 2 टाइम्स है, मतलब यहाँ पे 1969 फोर्थ प्लान में, ठीक है। तो आपको ये क्या करना, पूरे चार्ट अच्छे से आपको याद हो जाती है, ये जो ट्रिक है ना, इसकी हेल्प से आप आराम से जो नंबर्स है आप क्या कर सकते हो, आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। आपको बस ये चार याद करना है, उसके बाद अपने आप बन जाएगा। देखो 1969 आपने लिखा 2 टाइम्स, मतलब देखो 1969 में 5 टाइम्स काउंट करेंगे, 70 71 72 73 74 आ गया, ये 74 को इधर लेके आना, फिर 5 बार काउंट करोगे 79 आ गया। अब क्या करना है, ये 2 बार है, यहाँ पे आपने लिखा है 2 बार, तो यहाँ पे 2 बार बनाना है। फिर क्या करना है आपको, 3 टाइम, फिर क्या करना है आपको, थर्ड पार्ट में आना है। थर्ड पार्ट कहाँ से, 1980 से चालू है, अब 2 टाइम्स, मतलब 1 और 2 पार्ट बनेंगे इसके, इसके अंदर 2 पार्ट, 2 सब पार्ट बनेंगे। तो 1980 से 19, फिर 5 काउंट करोगे 85 आएगा, 85 का आप इधर लेके आना, 85 के आगे और 5 साल 90। अब इसके बाद तो बहुत ईजी है, 1992 से आपको स्टार्ट करना है, 5 टाइम्स है, मतलब आपको पता चल जाना चाहिए, मेरे को 1 2 3 4 5 बार बनाया था। अब आप 5 5 की गैप करोगे तो 1992 से 5 बार काउंट करोगे 97, इसको इधर आ गया यहाँ, फिर ये आया यहाँ, फिर ये आया, फिर ये आया, ठीक है। तो अपने आप क्या हो जाएगा, बनते जाएगा। आपको ये क्या करना है, बस अच्छे से ये याद रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, फर्स्ट प्लान कब से चालू हुआ था, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला था। अगर मान लो, अगर मैं बोलूँ 6th प्लान कब से चला था, तो 6th प्लान जो चला था 1 अप्रैल 1980 से चालू हुआ था और 1985 तक चला था। अगर मैं मान लो 10th की प्लान की बात करूँ, 10th प्लान कब से कब तक था, तो 10th प्लान 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे बताना है, तो आपको एक मार्क से पूछ सकता है या फिर कभी कभी इसका ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, तो ऑब्जेक्टिव के बारे में बाद में चलते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, फर्स्ट प्लान से 12th प्लान तक और इसके डेट्स आपको याद होने चाहिए। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, ये 4 याद कर लो, अपने आप एग्जाम्स में जो 15 मिनट्स मिलते हैं ना आपको रीडिंग टाइम, तो ये वाला क्वेश्चन छाटना एग्जाम में, देखना कि कौन सा क्वेश्चन है, कैसे पूछा है, उसके हिसाब से ये चार्ट बना के अपने दिमाग में आप क्या कर देना, आराम से आपको डे टू डे सारी चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। अब
देखो अब एग्जाम से कभी कभी क्या पूछता है, कभी कभी अगर मान लो 1 मार्क्स में पूछेगा आपको डेट पूछेगा, या फिर कभी कभी क्या पूछ देता है 3 मार्क्स का पूछ देता है, जिसमें आपको ये पूछ सकता है कि मान लो कि 6th प्लान का बताओ कि कब है डेट और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो देखो 6th प्लान का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा है, 6th प्लान का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ भी पूछ सकता है। तो बेसिकली मैं अभी आपके साथ हर प्लान का ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस कर लेता हूँ, आपको समझ में आ गया डेट आपको कैसे करना है, मैं आप सभी के साथ ऑब्जेक्टिव एक बार डिस्कस करूंगा। तो ये जितने भी चीज है ये ट्रिक ये आप एक बार नोट कर लेना, ठीक है। चलो फर्स्ट प्लान का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो फर्स्ट प्लान का यहाँ पे मैंने लिखा है फोक। आपको पूछ सकता है ये फोकस और ऑब्जेक्टिव बताओ फर्स्ट प्लान का, सेकंड प्लान का, थर्ड प्लान का। अब आपने जान लिया फर्स्ट प्लान का कब से कब तक है, इस समय तक है, 1 अप्रैल से यहाँ तक, ठीक है। तो फर्स्ट प्लान में क्या हुआ था बच्चों, फर्स्ट प्लान में गवर्नमेंट ने एक ऑब्जेक्टिव बनाया था कि फर्स्ट प्लान में क्या करना है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ठीक है। और उसने साथ ही साथ फर्स्ट प्लान में ये भी डिसाइड किया था इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन इनकम एंड वेल्थ। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने पढ़ के रखा है, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है जो आपने पहले ही पढ़ के रखा है, ठीक है। अब सेकंड प्लान में, सेकंड प्लान 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 में हुआ था, ठीक है। सेकंड प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन को बढ़ा देना है। डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, अब बच्चों हैवी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जैसे स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री हो गया, आयरन इंडस्ट्री हो गया, तो ऐसी सारी इंडस्ट्री को क्या करना है, बढ़ाना है और उनको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो ये सेकंड प्लान का ऑब्जेक्टिव था। थर्ड प्लान का ये ऑब्जेक्टिव है सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन आइटम, मतलब अपने आप में निर्भर रहना है फूड ग्रेन आइटम्स में, जो आपने पहले ही पढ़ के रखा है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या करना है, रोजगारी को बढ़ाना है, रोजगारी मतलब सभी पीपल को काम पे लगाना है। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, मतलब पुअर और रिच के बीच का, पुअर और देखो पुअर और रिच के बीच का जो गैप है, ये जो गैप है, ठीक है, उसको क्या करना है, हटाना है। तो रिडक्शन इन इनइक्वालिटी का मतलब है पुअर और रिच के बीच के गैप को हटाना है। अब फोर्थ प्लान हमें कहता है एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, मतलब ग्रोथ को बढ़ाना है। प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब क्या करना है, प्राइस को एक अच्छा फॉर्म में लेके आना है, स्टेबिलिटी अच्छी सी उसमें लाना है। फिफ्थ प्लान में क्या हुआ था, रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड विद फोकस ऑन वीकर सेक्शन, मतलब देखो जो भी वीकर सेक्शन है, जो भी बहुत गरीब टाइप के हैं, ठीक है। वीकर सेक्शन मतलब जैसे आपको पता होगा एससी एसटी या फिर वैसे टाइप के पीपल जो बहुत ही गरीब है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड आपको बढ़ाना है, मतलब उनको पैसे देना है। देखो लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब मान लो कोई बंदा पहले 5,000 कमा रहा था, उसकी इनकम बढ़ा दो, फिर वो बेचारा एसी खरीद लेगा। पहले मान लो कि 5,000 जो कूलर में रहता था, फिर उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो फिर एसी खरीदेगा, फिर इनकम बढ़ जाएगी तो पहले फिर अच्छा घर खरीदेगा। तो मतलब लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है उसका, उसके जो रहने की सिचुएशन, उसको क्या करना है, अच्छा करना है, ठीक है। तो ये कहा गया था फिफ्थ प्लान में कि जो भी वीक पीपल है उनका लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए। सिक्स प्लान, अब देखो ना सिक्स प्लान कब से कब तक था, देखो सिक्स प्लान था 1980 से लेकर 1985 तक था, ठीक है। इस प्लान का ऑब्जेक्टिव ये था पॉवर्टी को हटाना है, पॉवर्टी रिमूवल मतलब पॉवर्टी को हटाना है। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी सेम है, रिच और पुअर के बीच का गैप को हटाना है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना है, ठीक है। सेवंथ प्लान, अब सेवंथ प्लान कब से कब तक था, 85 से लेकर 1 अप्रैल 1885 से लेकर 31 मार्च 1990 को था। और सेवंथ प्लान का ऑब्जेक्टिव ये था जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वही रोजगारी को बढ़ाना है। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, वही एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ठीक है। एट प्लान कब तक था, 8th प्लान था 1 अप्रैल 1992 से लेकर 31 मार्च 1997 तक था, ठीक है। 8th प्लान अब इसमें क्या कहता है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। देखो ये इसका मतलब क्या, जितने भी मान लो कि ये कंट्री है कोई भी, तो कंट्री में जितने भी काम करने वाले हैं उनका अच्छे से यूज करना, उसे कहते हम कहते हैं फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है यूज करना। आप आज देखते होंगे कि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग क्या है, काम करना चाहते हैं लेकिन बेरोजगार है, ठीक है। तो हम हमारी कंट्री क्या कर पा रही है, इनका जो पोटेंशियल है उसको क्या कर रही है, यूज नहीं कर पा रही है। तो 8th प्लान में यही कहा था कि जो भी मैन पावर है, जो भी काम करने वाले व्यक्ति है, उनको उनका जो भी पावर है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो कि जिसके कारण वो अच्छा काम करेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो पैसा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज्यादा होगी। अब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब एक एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सली क्या कर दो, प्रमोट करो। स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वही इंफ्रास्ट्रक्चर को पावर देना है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है बच्चों, स्ट्रेंथ का मतलब होता है पावर देना। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर दो, स्ट्रांग कर दो।
अब उसे आप पावर दोगे तभी तो स्ट्रांग बनेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर दो, पावर दे दो, जिसके कारण स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। अब नाइन्थ प्लान, नाइन्थ प्लान तो बच्चों नाइन्थ प्लान मुझे आप बताओ कि कब से कब तक था। नाइन्थ प्लान था 1 अप्रैल 1997 से लेकर 31 मार्च 2002 तक था नाइन्थ प्लान, जिसका एक ही है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। अभी इसे रूरल मतलब बच्चों, रूरल मतलब गांव, रूरल मतलब बच्चों गांव का एरिया आप कह सकते हो, वैसे हम रूरल कहते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर को भी डेवलप करो और रूरल एरियाज को भी डेवलप करो, ये नाइन्थ प्लान का ये ऑब्जेक्टिव था। अच्छा, इसके साथ साथ और दो भी ऑब्जेक्टिव है, राइट। तो नाइन्थ प्लान के और दो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मैंने लिखा है, ग्रोथ विथ प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब ग्रोथ ऐसी करो कि जैसे जिसके कारण प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ते जाए। चेकिंग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब ग्रोथ में क्या करो, नजर रखो। चेक मतलब होता है नजर रखना कि पॉपुलेशन ज्यादा ना बढ़ जाए या पॉपुलेशन बहुत कम ना हो जाए। आप जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, तो ये प्लान का यही था कि जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं चेक करो कि ज्यादा बढ़े ना, ठीक है। तो चेकिंग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो ये क्या था, नाइन्थ प्लान के पार्ट थे तीन टू। अब टेंथ प्लान, सर आप मुझे बताइए टेंथ प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था, लेकिन ऑब्जेक्टिव से पहले आप मुझे बताइए कि टेंथ प्लान था 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2007 तक था टेंथ प्लान, ठीक है। ये प्लान क्या कहता था, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, वही क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करना है, ठीक है, थ्रू बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन। देखो जब आप हेल्थ, जैसे हेल्थ मतलब आप हॉस्पिटल अच्छा बनाओगे, डॉक्टर्स अच्छे सारे बहुत सारे होंगे, एजुकेशन मतलब अच्छा एजुकेशन अगर पीपल के पास रहेगा तो अपने आप लोग क्या करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ जियेंगे, वो अच्छी जिंदगी जियेंगे, ठीक है। तो इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ में टेंथ प्लान में ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू हेल्थ एंड एजुकेशन। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, मतलब इनइक्वालिटी मतलब वही रिच और पुअर के बीच का गैप को हटाओ, और इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब और क्या करो, ग्रोथ अच्छी खासी हो ऐसा कुछ प्लान करो, ठीक है। तो टेंथ प्लान का ये दो ऑब्जेक्टिव था। अब इलेवेंथ प्लान, सर इलेवेंथ प्लान कब से कब तक था, देखो बच्चों इलेवेंथ प्लान था ना वो 2007 से लेकर, इलेवेंथ प्लान बच्चों 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक था, ठीक है। तो ये प्लान, ये इलेवेंथ प्लान में क्या था, मल्टीपल टारगेट्स कवरिंग ग्रोथ बट ऑल्सो पॉवर्टी रिडक्शन, मतलब ग्रोथ तो करो लेकिन पॉवर्टी को हटाते भी जाओ। तो मल्टीपल टारगेट्स मतलब ये था, ग्रोथ भी करो लेकिन पॉवर्टी भी हटाते जाओ। और इलेवेंथ प्लान का सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये था, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, मतलब वही हेल्थ और एजुकेशन को अच्छा करो। स्ट्रेटेजी ऑफ सेकेंड ग्रीन इवेल्युएशन, अब बच्चों ये ग्रीन रिवेल्युएशन क्या होता है, देखो आपको पता होगा कि हम एग्रीकल्चर के समय जब मान लो कि कब, बहुत पुराने समय जब इंडिया आजाद हुआ था, तो उस समय क्या करते थे, जो हम सीड जो बीजे यूज करते थे ना क्रॉप को ग्रो करने के लिए, वो बहुत बेकार लो क्वालिटी के होते थे। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम लोग ने क्या किया, साइंटिस्ट ने एक ऐसा सीड बनाया जिसको अगर जिसकी हेल्प से आप क्रॉप ग्रो करोगे ना तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो वही कहा गया है इलेवेंथ प्लान में, हम लोग ने ये किया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को ज्यादा से ज्यादा क्या किया, इम्प्लाई किया, लगाया, जनरेटिंग हाई क्वालिटी जॉब, मतलब बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब को क्या करना है, क्रिएट करना है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, मतलब एनवायरमेंट की भी प्रोटेक्शन, मतलब पॉपुलेशन कम करना है, मतलब पॉल्यूशन को कम करना है, ज्यादा से ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कम हो। तो एनवायरमेंट का मतलब है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है हमें। अब ट्वेल्थ प्लान, अब आप मुझे बताएं ट्वेल्थ प्लान कब तक था, 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 से तक ट्वेल्थ प्लान था, जहां पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एक ही था, फास्ट सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब फास्ट ग्रोथ होनी चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए एंड मोर इंक्लूसिव, मतलब एक तरीके से बहुत एक ही टारगेट में क्या होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो मैंने अभी आपको बताया कि पूरे प्लान फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक सारे प्लान बताया, उनकी डेट बताया, ट्रिक बताया कैसे लर्न करना है, और ये आपको अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए क्योंकि ये हमेशा पूछता ही पूछता है, ठीक है। और इसके साथ मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ भी बताया, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ प्लान भी बताया, टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ सारी प्लान के ऑब्जेक्टिव भी आपको डिस्कस करिए। तो आपको एक क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि बताओ कि मान लो कि नाइन्थ प्लान का डेट कब तक चला, या ये भी बोलेगा नाइन्थ प्लान का बताओ डेट कब तक चला और इसका फोकस या ऑब्जेक्टिव क्या था। तो आप क्या करोगे, नाइन्थ प्लान की डेट बताओगे और नाइन्थ प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था, ये तीन ऑब्जेक्टिव थे तो ये आपको बताने पड़ेंगे। तो ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो होपफुली आपने समझ लिया होगा। तो इसी के साथ बच्चों हमारा जो भी टॉपिक था
गोल्स ऑफ प्लानिंग का, जिसमें उन्होंने सारी चीजें डिस्कस कर ली, ठीक है। गोल्स ऑफ प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर लिया, लॉन्ग पीरियड के और शॉर्ट पीरियड के बारे में सबके बारे में डिस्कस किया, दोनों के बीच का डिफरेंस भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो बच्चों होपफुली आप सभी ने पूरे टॉपिक्स को अच्छे से लर्न किया होगा। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। हेलो एवरीवन, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, इस टॉपिक को पढ़ने का हमारा पर्पस क्या है, वो आज हम लोग सबसे पहले तो ये जानते हैं। देखो, इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि जो हमने प्लानिंग किया, शॉर्ट पीरियड प्लानिंग, लॉन्ग पीरियड प्लानिंग, उसका इफेक्ट क्या रहा 1951 और 1991 के बीच में, ठीक है। 1951 और 1991 के बीच में हम लोग ने जो प्लानिंग किया, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड प्लानिंग, उसका इफेक्ट मतलब उसका सिचुएशन क्या हुआ 1951 1991 के बीच में, तो इस लेक्चर में हम लोग वो डिस्कस करने वाला है, ठीक है। तो ये जितने भी मैं फीचर्स बताऊंगा तो वो फीचर्स हमें ये बताएंगे कि जो हमने प्लानिंग किया उस प्लानिंग का 1951 और 1991 के बीच में क्या इफेक्ट रहा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, जो कि सबसे पहला फीचर है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक डंडा मार देता हूँ। देखो, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, सबसे पहले तो अब ये जानो रिलायंस का मतलब क्या होता है। बच्चों रिलायंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंट, जो भी आप कहे इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हैवी मतलब ज्यादा, इम्पोर्टेंट ऑन पब्लिक सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया, पहले पॉइंट का मतलब ये है। अब ये कैसे दिया गया इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, ये पता एक पॉलिसी है 1956 को आई, ये पॉलिसी ये कहती है कि जो भी सेक्टर है वो दो सेक्टर में डिवाइड होता है, एक तो होता है प्राइवेट सेक्टर और दूसरा होता है पब्लिक सेक्टर। तो ये पॉलिसी ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस रिलायंस कम दो और पब्लिक सेक्टर को रिलायंस मतलब इम्पोर्टेंस ज्यादा दो, ठीक है। तो ये पॉलिसी हमें ये कहा कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल आ गए, प्राइवेट बस आ गए, प्राइवेट स्कूल आ गए, तो उन सभी को इम्पोर्टेंस क्या करो कम दो, और जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट बस, ये सारी चीजें हैं, इनको क्या करो ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 हमें कहती है, और ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 हमें ये कहती है कि 12 इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर के पास 12 इंडस्ट्रीज रिजर्व रहेगी और पब्लिक सेक्टर के पास 17 इंडस्ट्री क्या रहेगी रिजर्व रहेगी। इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपने रेलवे सुना है ना, आपने देखो अपनी लाइफ में आपने अभी तक हमेशा एक चीज सुनी होगी, प्राइवेट बस, पब्लिक बस, पब्लिक या गवर्नमेंट बस एक ही है। वैसे ही आपने ये और एक चीज सुनी होगी कि प्राइवेट हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आपने ये भी सुना है, ठीक है। और प्राइवेट स्कूल, पब्लिक या फिर गवर्नमेंट स्कूल, आपने ये भी सुना है। लेकिन क्या आपने कभी सुना रेलवेज, प्राइवेट रेलवेज, पब्लिक या गवर्नमेंट रेलवेज? नहीं सुना ना। आपको पता है कि पब्लिक या फिर गवर्नमेंट रेलवेज सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। तो 17 इंडस्ट्री में से एक इंडस्ट्री ऐसी भी है जैसे रेलवे, ठीक है, वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के पास है। तो वैसी 17 इंडस्ट्रीज जो थी वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के पास होती थी इस पॉलिसी के हिसाब से, इस पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली उसके हिसाब से 17 इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के पास रहेगी, वो प्राइवेट सेक्टर यूज नहीं कर सकता। वैसे ही 12 इंडस्ट्रीज रिजर्व रहेगी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए, जो कि गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये पॉलिसी क्या कहती है, दो बातें कहती है, पहली तो प्राइवेट सेक्टर को कम से कम इंपॉर्टेंस दिया जाए और पब्लिक सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए। सेकेंड चीज, पॉलिसी ने ये कहा कि प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ 12 इंडस्ट्रीज रिजर्व रहेगी और पब्लिक सेक्टर में 17 इंडस्ट्री रिजर्व रहेगी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस पॉलिसी ने ऐसा क्यों किया। देखो, इसके बीच में ये जो पीरियड है, इसके बीच में हमारी जो भी प्लानर्स जो प्लानिंग करते हैं और पॉलिटिशियंस मतलब जो भी हमारे पॉलिटिशियंस है, गवर्नमेंट है, उन्हें फेल्ट मतलब उन्हें लगा कि
सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, मतलब लोगों को, जो भी लोग हैं हमारे कंट्री में, उनका भला, उनका अच्छा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ही कर सकती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का इंटरप्राइजेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, जो कि आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो। प्राइवेट सेक्टर का हमेशा मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट कमाना। तो ये हमारे प्लानर्स या पॉलिटिशियंस को लगा कि नहीं यार, ज्यादा से ज्यादा ना हम पब्लिक सेक्टर को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर्स को इम्पोर्टेंस देंगे ना, तो हमारी जो भी सोसाइटी है, जो भी गरीब से लेकर रईस उसके बीच में जो भी प्रॉब्लम है, वो पब्लिक सेक्टर के कारण ही सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो इसके कारण इंडस्ट्रियल पॉलिसी में उन्होंने क्या कहा कहा कि प्राइवेट सेक्टर को कंप्यूटर इंपोर्टेंस दिया जाए और पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इंपोर्टेंस दिया जाए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट का मतलब। अब सेकंड पॉइंट है रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। पहले तो इसका मतलब जानो। देखो, रेगुलेटेड का मतलब होता है कंट्रोल करना, डेवलपमेंट का मतलब है स्टार्ट होना या फिर फॉर्म होना, स्टार्ट होना या फिर फॉर्म होना ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इसके बारे में तो आप जानते हो। तो इसका मतलब है कंट्रोल करना है जो प्राइवेट सेक्टर में, अगर वो स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म हो रहे हैं, इसका मतलब ये है। देखो, पता है 1948 में पॉलिसी आई, एक एक्ट आया जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट ये कहता है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस है, मतलब जो भी प्राइवेट सेक्टर फर्म है, उनके ऊपर ना बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए, मतलब उनके ऊपर इम्पोज कर दिया जाए बहुत सारी पाबंदी, उनके इसमें बहुत सारी डिफिकल्टी ला दिया जाए। अब ये कैसे डिफिकल्टीज ला दिया जाए? ये एक्ट ये कहता है कि जो भी प्राइवेट फर्म स्टार्ट करना चाहता है, उसे क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस बनाना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, उस समय गवर्नमेंट का इंटेंशन, गवर्नमेंट का मेन मोटिव ये था कि प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस दिया ही ना जाए। तो उन्होंने कह दिया कि जो भी प्राइवेट फर्म को स्टार्ट करना चाहता है, उन्हें लाइसेंस बनाना पड़ेगा। और जब भी कोई प्राइवेट फर्म चालू करना चाहता था और गवर्नमेंट के पास जा रहा लाइसेंस बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करती थी? उनको बहुत उलझाती थी, उनको बहुत परेशान करती थी और उनके इसमें इतनी डिफिकल्टी लाती थी कि वो लाइसेंस ले ना पाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वो क्या करती थी? गवर्नमेंट रेगुलेटेड स्टार्ट होना प्राइवेट सेक्टर का, मतलब वो क्या करती थी, जो अगर जिसको भी प्राइवेट सेक्टर को स्टार्ट करना है, जिसको भी प्राइवेट सेक्टर को स्टार्ट करना है, उसमें वो क्या करती थी? बहुत सारे कंट्रोल, मतलब लाइसेंस हो गया, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा देती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या करती थी? गवर्नमेंट करती थी। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब यह है कि ये एक्ट ने ये कहा कि जो भी प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस में, सबसे पहली चीज, ज्यादा से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए और जो भी प्राइवेट फर्म को स्टार्ट करना चाहता है, उन्हें क्या कर दे? उनके उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से ना, प्राइवेट फर्म जो भी स्टार्ट करना चाहता था, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते थे? प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के गवर्नमेंट सेक्टर में आते थे। अब थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखो, ये पॉइंट आपको पहले चीज कह रहा है कि प्रोटेक्शन करो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, ठीक है, एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ये अगर पॉइंट आप देखोगे, प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री को सपोर्ट करो, प्रोटेक्ट करो, और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जो बड़ी इंडस्ट्री है, उन पे क्या करो? कंट्रोल करो। देखो, ये पॉइंट ये कहता है स्मॉल इंडस्ट्री में प्रोटेक्ट करो। अब गवर्नमेंट क्या करती थी? स्मॉल, जो भी छोटी छोटी फर्म होती थी, जो भी छोटी छोटी इंडस्ट्री होती थी, उसको क्या करती थी? गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती थी या फिर सपोर्ट करती थी। सर, अभी कैसे करती थी? वो क्या करती थी? जो भी छोटी छोटी इंडस्ट्री है, उनको क्या करती थी? फाइनेंशियल सपोर्ट करती थी, उनके पैसा दे देती थी। सेवरल बोर्ड्स लाइक हैंडलूम बोर्ड, सिल्क बोर्ड आर एस्टेब्लिश टू सपोर्ट, इसके बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ, टू सपोर्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी? छोटी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती थी, उनको पैसा देती थी, और क्या करती थी? उन्होंने बहुत सारे बोर्ड्स बना के रखे थे। ये बोर्ड्स ना बच्चों, एक तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो क्या करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं, या फिर उन्हें क्या करते हैं? प्रमोट भी करते हैं। ठीक है, प्रमोट करते हैं, उन्हें क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती थी? जो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट क्या करती थी? उनमें रेगुलेशन लगा देती थी, मतलब उनमें क्या करती थी? बहुत सारा कंट्रोल कर देती थी, उन्हें लाइसेंस देना पड़ेगा और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा देती थी। ठीक है, और मैं तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ये वाला तरीका अपनाती थी। ठीक है, 1951 1991 के बीच में। और मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो थी ना, वो एक एक्ट के तहत रेगुलेट होती थी, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट
जिसको शॉर्ट में MRTP कहते हैं, ठीक है। तो जो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी वो क्या आती थी, इस एक्ट के अंदर आती थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती थी बच्चों, 1951 और 1991 के बीच में ना ये जो फीचर्स है, ये फीचर्स उन लोग करती थी। वो क्या करती थी, सबसे पहले हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर करती थी, और वो क्या करती थी, प्राइवेट सेक्टर को में बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगाती थी, और वो क्या करती थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करती, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बहुत सारा रेगुलेशन करती थी। तो ये टॉपिक में हमें यही सीखना है कि 1951 और 1991 के बीच में गवर्नमेंट क्या क्या हरकतें करती थी, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ अ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। मतलब हैवी इंडस्ट्री का सबसे पहले मतलब जानो बच्चों, हैवी इंडस्ट्री का मतलब होता है बहुत बड़ी बड़ी और बहुत हैवी इंडस्ट्रीज का मतलब है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंडस्ट्री। तो ये सब इंडस्ट्री क्या होती है, हैवी इंडस्ट्री होती है, जिनको क्या किया गया 1951-91 के बीच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, और उन्हें क्या कर दिया गया, बहुत ज्यादा प्रमोट कर दिया गया था। थ्रस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, अब ये फिफ्थ पॉइंट है। अब थ्रस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट निकाला, मतलब सेविंग में गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी व्यक्ति सेविंग करेगा तो हम उसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, और गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा हम उन्हें क्या करेंगे, सब्सिडीज देंगे। सब्सिडीज मतलब होता है बच्चों फाइनेंशियल सपोर्ट, पैसे से सपोर्ट करना, उसे हम सब्सिडीज कहते हैं। कैपिटल ग्रांट्स का मतलब होता है गवर्नमेंट क्या करती है, कोई कोई फर्म्स या कोई भी पीपल को क्या कर देती है, पैसा दे देती है अपनी तरफ से, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल ग्रांट्स कहते हैं। तो बच्चों गवर्नमेंट ने कहा कि सेविंग करोगे आप तो आपको ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा पैसे का सपोर्ट करेंगे, और इवन हम क्या कर देंगे, उन्हें पैसे भी दे देंगे। सपोज करना कि आपने बैंक में कुछ पैसे जमा किए, ठीक है, सपोज करना कि 5000 पैसे आपने क्या किया, बैंक में जमा किए, तो गवर्नमेंट ने बोला कि जितना पैसा आप बैंक में जमा करोगे तो बैंक वाला क्या करेगा, आपको उसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, मतलब कुछ पैसा बैंक क्या करेगा, अपने से आपको कुछ पैसा अपनी तरफ से बैंक क्या करेगा, देगा। सपोज करना बैंक ने आपको 200 रुपीज अपनी तरफ से दिया, तो आप मुझे बताओ कि जब आपको आपको पैसा वापस मिलेगा तो आपको क्या कितना पैसा मिलेगा, आपको 5000 प्लस 200 मतलब 5200 पैसा आपको टोटल मिलेगा। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, आपने 5000 डाला लेकिन 200 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यही चीज है बच्चों, गवर्नमेंट कहती थी कि जो भी पीपल सेविंग करेगा ना तो उसको ज्यादा से ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पीपल के लिए बहुत अच्छा हुआ। वैसे गवर्नमेंट कहने लगी कि जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसमें हम सब्सिडीज और कैपिटल ग्रांट्स भी देंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट ने ये एक चीज आइडेंटिफाई किया, गवर्नमेंट ने एक चीज क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि जितना ज्यादा हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना ज्यादा हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। गवर्नमेंट ने क्या आइडेंटिफाई किया, गवर्नमेंट ने यह आइडेंटिफाई किया कि हम जितना ज्यादा गवर्नमेंट ने यह आइडेंटिफाई किया कि हम जितना ज्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा कंट्री क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि ज्यादा से ज्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। तो थ्रस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये गवर्नमेंट ने क्या किया, ये पॉलिसी को अपनाई 1951 और 1991 के बीच में। अब आखिरी पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। देखो इंडिया और फॉरेन कंट्रीज, आपको पता है ना फॉरेन की कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, MNCs। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी जो इंडस्ट्री 1951-1991 के बीच में गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों, इंडिया को सपोर्ट किया, इंडिया के जितनी भी कंपनीज है, जितने भी बिजनेस है, उनको क्या किया, सपोर्ट किया फॉरेन की कंट्रीज से। अब कैसे किया, देखो इंडिया मान लो कि ये इंडिया है और ये क्या है, बहुत सारी कंट्रीज है, बहुत सारी कंट्रीज है, मान लो अदर कंट्रीज यहाँ पे मैंने लिख दिया है। सपोज करना कि गवर्नमेंट ने इस पॉइंट में ये किया, गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी बाहर की कंट्री को बोला कि जिसको भी इंडिया में सामान अपना बेचना है, जिसको भी इंडिया में अपना सामान बेचना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, टैक्स को ज्यादा देना पड़ेगा, टैक्स को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। तो बाहर की कंट्री सोचने लगी, अरे यार इंडिया में अगर हम लोग को सामान बेचना है तो इंडिया को हमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो बहुत सारी बाहर की कंट्रीज कैसी थी, वो पहले ही हार मान के भग जाती थी, बोलती थी नहीं यार इंडिया में हम लोग कुछ सामान बेचेंगे नहीं क्योंकि हमें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया को सपोर्ट किया फॉरेन कंट्री से 1951 और 1991 के बीच में।
तो ये सारे फीचर्स में आप एक चीज देखी होगी कि ये 1951 और 1991 के बीच में गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें की, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग ने आपको सभी को एक्सप्लेन कर दिया, तो आप सभी बच्चे इसे क्या करो, नोट करते जाओ। मैं पेज पॉज करके आप सभी क्या करो, ये वीडियोस को मतलब ये लेक्चर नोट्स को फटाफट आप नोट करते जाओ। ठीक है, तो बच्चों इतनी चीजें थी जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर ली, और एक दो पॉइंट्स है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, और तीन पॉइंट्स आपकी बुक में लेकिन उस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने अच्छे और इम्पोर्टेंट 6 पॉइंट्स आप सभी के साथ डिस्कस कर दिए, ठीक है, और मैंने आप सभी के साथ पर्पस भी शेयर कर दिया। तो बच्चों इसी के साथ मैं चलता हूँ, बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। हेलो एवरीवन, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स ऑफ प्लानिंग। सो इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि जो हम लोग ने प्लानिंग की, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, तो उसके क्या फायदे हुए, अचीवमेंट्स मतलब फायदे, तो जो हम लोग ने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग की उसके क्या फायदे हुए, तो वो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। देखो ये हमेशा माना जाता है कि जैसे ही एक कंट्री की नेशनल इनकम, जैसे आपके पापा की सैलरी होती है ना, एक घर की सैलरी, जैसे मान लो आपके घर में आपकी मॉम डैड, मॉम कमा रही है 5,000, डैड कमा रहे हैं 15,000, ठीक है, मॉम और डैड का 15+5 कर दो 20,000, मतलब वो आपकी पूरी फैमिली की इनकम है। तो वैसे ही एक कंट्री की भी क्या होती है, एक नेशनल इनकम होती है, मतलब पूरे कंट्री में जितने भी लोग कमा रहे हैं वो टोटल उसका नेशनल इनकम कहलाता है, ठीक है। तो हमेशा माना जाता है कि जब भी एक कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ेगा उसका मतलब है कि कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। लेकिन हमें इससे फायदा क्या हुआ, देखो बिफोर प्लानिंग मतलब प्लानिंग करने से पहले या फिर ब्रिटिश के रूल के समय में 0.5% पर एनम, पूरे साल भर में सिर्फ 0.5% नेशनल इनकम बढ़ती थी जब हम प्लानिंग नहीं करते थे। लेकिन जैसे हम लोग ने प्लानिंग करना चालू किया, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ प्लानिंग मतलब जब हम लोग ने प्लानिंग करना चालू किया, तो 5% पूरे साल भर में नेशनल इनकम क्या होती थी, इंक्रीज होती थी, ठीक है। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है, जब नहीं करते थे प्लानिंग, जब हम लोग प्लानिंग नहीं करते थे तो सिर्फ 0.5 बढ़ता था, लेकिन जैसे ही प्लानिंग करना चालू किया तो 5% बढ़ने लग गया, ठीक है। तो सबसे बड़ी सफलता हमारे लिए ये है कि हमारा नेशनल इनकम प्लानिंग की हेल्प से हमें एक सफलता मिली कि हमारा नेशनल इनकम बढ़ने लग गया। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। देखो पर कैपिटा इनकम का आपने सभी ने फॉर्मूला पढ़ा है, टोटल इनकम अपॉन पॉपुलेशन करके, ठीक है। तो फॉर्मूले से तो मतलब नहीं, लेकिन मुझे आपको यहाँ पे एक चीज बताना है कि हमारी कंट्री का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ने लग गया कैसे। देखो आपको क्या करना है, इसे एग्जाम्पल से समझाना है आपको। अगर एग्जाम से पूछे कि अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑफ प्लानिंग, तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजें बतानी, प्लस आपको ये भी बताना है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, क्योंकि ये आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको डबल, टीचर आप पे बहुत खुश हो जाएगी। तो आपको ये सारी चीजें जैसी नोट्स में वैसी चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इसका मतलब है बिफोर इंडिपेंडेंस, जब हम प्लानिंग नहीं करते थे और इंडिपेंडेंस के समय मतलब ब्रिटिश के रूल के समय में जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो क्या थी, नोशनल थी। इसका मतलब होता है बहुत कम, कम से भी कम या फिर होती ही नहीं थी। लेकिन जब से हम लोग ने ड्यूरिंग प्लानिंग, जैसे हम लोग ने प्लानिंग करना चालू किया, तो हमारा पर कैपिटा इनकम क्या हो गया, 2.9 पर एनम, पर एनम का मतलब है पूरे साल भर का 2.9% पर एनम क्या हो गया, बढ़ने लग गया। तो ये भी सफलता थी प्लानिंग से जो हमें मिली थी। थर्ड पॉइंट है राइज इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब आप सभी जानते हैं कि कैपिटल मतलब क्या होता है, कैपिटल मतलब जब एक बंदा अपना पैसा एक बिजनेस में लगाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, है ना, आपने बचपन से पढ़ के रखा है। फॉर्मेशन का मतलब है लगाना, तो कैपिटल मतलब एक इंडिविजुअल कितना पैसा अपने पास, उसके पास जितना पैसा है वो कितना पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करा उसे हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। तो ड्यूरिंग प्लानिंग मतलब जब हम प्लानिंग करते थे, मतलब जब हम प्लानिंग करना चालू किए, उस समय 33% रेट से क्या हो रहा था, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ रहा था। लेकिन बिफोर प्लानिंग, जब हम प्लानिंग करते नहीं थे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल या फिर आप बिफोर प्लानिंग के समय में समझ लो, तब क्या होता था, सिर्फ 10% रेट क्या होता था, सिर्फ बढ़ता था।
लेकिन जैसे उन्होंने प्लानिंग करना चालू किया तो 33 रेट से क्या हो गया, बढ़ने लग गया, समझ रहे हो। तो एक तरीके से कितना, जैसे उन्होंने प्लानिंग किया था, हमें हमें एक सफलता ये भी मिली कि हमारा कैपिटल फॉर्मेशन रेट क्या हो गया, बढ़ने लग गया। तो आपको एग्जाम से ये भी चीज शो करना है। अब मैं आपको और एक चीज बता दूं कि देखो, आपने पिछली क्लास में मेरे साथ पढ़ा कि फीचर्स वाले में यहाँ पे नहीं था, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, हाँ, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आइडेंटिफाइज की डिटरमिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब आप जितनी ज्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट करोगे उतनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। वैसे ही ऐसे ही हमने क्या किया, और एक चीज आइडेंटिफाई की कि जितना भी आप कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाओगे उतना ज्यादा एक कंट्री क्या करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। तो आप क्या करना, नोट्स के यहाँ पे लिख देना कि कैपिटल फॉर्मेशन के कारण भी, कैपिटल फॉर्मेशन के कारण भी अगर हम जितना ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन सेविंग और इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो सेम चीज मेजर की, और सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल फॉर्मेशन आप जितना ज्यादा करोगे ना तो उतना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। फोर्थ है हमारे पास इंस्टीट्यूशन चेंज एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, देखो, इंस्टीट्यूशनल चेंज एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। इंस्टीट्यूशनल चेंज को हम लैंड रिफॉर्म भी कहते हैं। इसके ये जो, अच्छा, इसको पहले मैं आपको और एक चीज बता दूं कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इतना सब ये पूरा चीज इंस्टीट्यूशनल चेंज के बारे में है। टेक्निकल चेंज के बारे में मैंने यहां से लेकर यहां तक लिखा है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल चेंज के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो, जैसे ही हमारी कंट्री को मतलब जैसे हमारी कंट्री प्लानिंग करना चालू की ना, तो हमें क्या मिला, एक सफलता मिली। ये सफलता ये है कि हमारा इंस्टीट्यूशनल चेंज होने लग गया। इंस्टीट्यूशनल चेंज मतलब एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। अब जानते हैं एबॉलिशन का मतलब खत्म हो जाना, इंटरमीडिएटरीज का मतलब है जमींदार। आपको याद है चैप्टर 1 में मैंने इस बुक की आपको बताया था कि जमींदार क्या करते थे, फार्मर्स अपने लैंड में काम करवाते थे और पूरा जो आउटपुट है वो ज्यादा से ज्यादा अपने पास रख लेते थे। तो वो चीज को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया प्लानिंग के हेल्प से। मॉडरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ रेंट्स। अब आपको पता है कि आपको पता होगा कि जैसे जमींदार होते थे वो क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा रेंट क्या कर लेते थे, अपने पास रख लेते थे, और बहुत कम रेंट फार्मर्स को दे देते थे। लेकिन वो सारी चीजों को हटाया गया और एक अच्छा रेंट देने का सिस्टम लाया गया, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब होने क्या लगा, आपने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, मतलब जो भी फार्मर्स थे उनके लैंड क्या थे, बहुत बिखरे हुए थे, है ना। तो जैसे प्लानिंग की हेल्प से हमने क्या किया, ये सारे लैंड को एक तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट किया, और इस तरीके से किया कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आने लगे। तो इंस्टीट्यूशनल चेंज हमारे पास ये आया, और इंस्टीट्यूशनल चेंज को हम क्या कहते हैं, लैंड रिफॉर्म भी कहते हैं, याद रखिएगा एक बात। ये हमें सबसे बड़ी सफलता मिली। सेकेंड चीज, हम एग्रीकल्चर में बच्चों हमारे यहाँ पास टेक्निकल चेंज भी हुआ। अब टेक्निकल चेंज मतलब सर देखो, 1966 से हम लोगों ने क्या किया, हमारी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने लग गए, इम्प्रूव करने लग गए। इससे क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया ग्रीन रिवॉल्यूशन। आपने इंट्रोड्यूस का मतलब है हमने उस चीज को शो किया ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत। आपको पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसी सीड होती थी जिसको अगर आप उसकी अगर उस सीड की हेल्प से आप क्रॉप को ग्रो करोगे ना, तो बहुत ज्यादा क्रॉप ग्रो होता है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, कहीं ना कहीं 1966 से क्या करना चालू कर दिया, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना चालू कर दिया। हम लोग ने सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया, जिसकी जिसकी हेल्प से क्या होता था, आउटपुट और प्रोडक्टिविटी दोनों क्या होती थी, ज्यादा होती थी। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग की हेल्प से हमने क्या किया, इंस्टीट्यूशनल चेंज भी लाया, टेक्निकल चेंज भी लाया, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत फायदेमंद हुआ। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल चेंज भी फायदेमंद हुआ, टेक्निकल चेंज भी एग्रीकल्चर के लिए बहुत फायदेमंद हुआ। ठीक है, तो ये भी प्लानिंग की हेल्प से हम लोग ने क्या किया, एक सफलता को प्राप्त किया। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। देखो बच्चों, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आपने पहले ही समझ के रखा है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में सारे रोड आते हैं, बिल्डिंग्स आती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आती है, ब्रिज आते हैं, ये सारी चीजें आती है। तो प्लानिंग की हेल्प से क्या होने लग गया, देखो प्लानिंग की हेल्प से क्या होने लग गया, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो क्या हो गया, अच्छा होने लग गया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊं, सो 1950 और 51 में हम सिर्फ 2300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते थे। लेकिन प्लानिंग की हेल्प से क्या होने लग गया, 2014-15 में हम लोग ने देखा कि प्लानिंग की हेल्प से हम लोग क्या करने लगे,
295,700 मेगा वॉट पावर क्या करने लगा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगा है। मतलब आप दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, जब प्लानिंग नहीं करते थे तो सिर्फ 2,300 प्रोड्यूस कर पाते थे मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जैसे प्लानिंग इस्तेमाल करने लगे तो 295,700 मेगावाट पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पहले प्लानिंग की हद से क्या करने लगे हम, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा करने लगे। जैसे रेलवे में मैं आपको बताऊं, 1950 में जब हम प्लानिंग नहीं करते थे ना, तब क्या करते थे हम, रेलवे की हेल्प से सिर्फ 1,284 मिलियन पैसेंजर को सिर्फ कैरी कर पाते थे रेलवेज में। लेकिन जैसे ही हमने प्लानिंग करने लगे तो 2014-15 में हम 8,224 मिलियन पैसेंजर्स को क्या करने लगे, रेलवेज की हेल्प से कैरी करने लगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने लग गया। तो आपको क्या करना है, एग्जाम्स में ये एग्जाम्पल्स भी आपको एक बार लिख देना है, जिससे आपका टीचर जो है इम्प्रेस हो जाएगा। 6 पॉइंट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ना, ये सिर्फ मेन हेल्थ और एजुकेशन में फोकस करता है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जैसे हमने प्लानिंग किया, प्लानिंग की हेल्प से क्या हो गया बच्चों, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया। जैसे एजुकेशन की मैं बात करूँ, सो एजुकेशन की मैं बात करूँ ना, तो जो स्कूल स्टूडेंट है, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो क्या हो गए, 1951 से ट्रिपल हो गए जब उन्होंने प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया। मतलब मान लो कि 1951 में सिर्फ 1,000 बच्चे, 1,000 भी ज्यादा हो गया बच्चों, चलो 1,000 बच्चे ही सिर्फ जाते थे 1951 में, लेकिन जब से उन्होंने प्लानिंग चालू कर दिया ना, तो क्या हो गया, हम लोग ने 1,000 का अब इंटू 3 कर दो, मतलब 3,000 बच्चे बढ़ गए। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल में बताया, लेकिन होने क्या लगे, जैसे प्लानिंग की हेल्प से जो बच्चे स्कूल वाले बच्चे जाने वाले थे ना, वो 1951 का इंटू 3 हो गया, मतलब 3 फोल्ड हो गया। 3 फोल्ड मतलब 1951 का इंटू 3, मतलब 1951 के ट्रिपल बच्चे स्कूल जाने लगे प्लानिंग की हेल्प से। वैसे कॉलेज के स्टूडेंट क्या हो गए, 1951 से इंटू 5 बढ़ गए। ठीक है, तो ये सब प्लानिंग की हेल्प से ही पॉसिबल हुआ। तो ये सारे बच्चों प्लानिंग के एडवांटेज है, ये सारी चीजें प्लानिंग के फायदे है जो हमें मिला। ठीक है, अब आप 8 पॉइंट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। बच्चों एम्प्लॉयमेंट मतलब होती है रोजगारी, कितने पीपल काम कर रहे हैं उसे हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जब हमने प्लानिंग करना चालू किया ना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे प्रोग्राम्स को रन किया, जैसे मनरेगा। ठीक है, मनरेगा और भी सारे बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट ने रन किया, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट क्या हो गई, बढ़ने लग गई, लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिलने लगी, ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे कमाने लगे। इंटरनेशनल ट्रेड, देखो जैसे हम लोग ने, अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात करूँ, तो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड भी ना प्लानिंग की हेल्प से बहुत बढ़ गया। देखो अगर मैं एक तरफ मैंने लिया ईयर, और एक तरफ लिया वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड, कितनी वैल्यू है फॉरेन ट्रेड की। देखो 1948 1949 जिस समय हम प्लानिंग नहीं करते थे, उस समय सिर्फ हम सेवन हमारी जो फॉरेन ट्रेड की जो वैल्यू थी वो सिर्फ 792 करोड़ थी। लेकिन जैसे हम लोग ने प्लानिंग करना चालू किया, प्लानिंग करना जैसे हम लोग ने चालू किया 2014-15 में, तो हम लोग ने देखा कि हमारी जो फॉरेन ट्रेड की जो वैल्यू है वो 46,33,435 करोड़ से बढ़ गई। मतलब आप समझ रहे हो प्लानिंग करने का कितना बड़ा फायदा हो गया हमें। तो ये सब हम लोग ने क्या किया है, जो प्लानिंग किया ना, तो वो सब इसके फायदे हैं कि हम लोग ने जो प्लानिंग किया है उसके हमें क्या क्या फायदे हुए। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया, इसे आप नोट कर लो वीडियो पॉज करके। मैं प्रत्येक जाता हूँ वीडियो पॉज करके सारी चीज को नोट कर लेना। ठीक है, तो बच्चों जो चीज नोट्स में दी गई है उसे तो आप एग्जाम्स में लिखना ही लिखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, टीचर बहुत इंप्रेस हो जाएगी। और ये जो टॉपिक है ये ना, आप अगले जो चैप्टर पढ़ोगे एग्रीकल्चर वाला, तो ये टॉपिक में मैंने बेसिकली और डीप में बताया है, लेकिन अभी के लिए बस इतू इतू सा ये छोटा छोटा बताया है, इतना लिखोगे एग्जाम्स में काफी है। ठीक है, चलिए बच्चे, बाय, एंजॉय, टेक केयर एंड चीयर्स। हेलो एवरीवन, सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फेलियर्स ऑफ प्लानिंग के बारे में। तो जानते हैं आज ये है कि इस टॉपिक में पहले तो पढ़ना क्या है। देखो हम लोग ने बहुत सही प्लानिंग की है ना, मैंने आपको बहुत सही प्लानिंग बताया, शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड प्लानिंग की। तो प्लानिंग हम लोग ने की तब भी हमारे प्लान्स फेल क्यों हो गए। देखो सबसे पहले आप पॉवर्टी जानते हैं, मतलब गरीबी, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, लोगों के पास खाने पीने मतलब काम करने के लिए
काम करने के लिए बच्चों नौकरी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर आप जानते हैं, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दोनों के बीच रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो आज की अगर मैं बात करूं तो हम लोग ने प्लानिंग में क्या किया था, हमारा एक प्लान था कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना। क्या आज आज भी क्या पॉवर्टी रिड्यूस हुई है? नहीं हुई है। आज भी महंगाई बढ़ते जा रही है। हम लोग ने क्या किया था प्लानिंग में, ये भी तो किया था कि इन्फ्लेशन महंगाई को कम करना है, लेकिन आज भी महंगाई ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट। हम लोग ने क्या किया था, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है कि लोग काम करना चालू कर दे, लेकिन क्या हुआ? नहीं हुआ। आज भी लोग बहुत सारे बेरोजगार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिज, आज भी आप देखते होंगे बहुत सारी जगह चले जाना, हम लोग ने प्लानिंग किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करेंगे, लेकिन क्या आज भी रोड, हॉस्पिटल क्या अच्छी कंडीशन में है? नहीं है। स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है पुअर और रिच के बीच का डिफरेंस। तो क्या दोनों के बीच का डिफरेंस कम हुआ? नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया। तो यही बात करना है कि ऐसा क्या हो गया, क्यों हम प्लानिंग फेल हो गया कुछ कुछ सिचुएशन में। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग हर जगह में फेल हो गया, नहीं, हमारी कंट्री ग्रो तो कर रही है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे जैसे पॉवर्टी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो कहीं ना कहीं ये सारी जो भी फैक्टर्स है यहाँ पे हमारी प्लानिंग फेल हो गई है ना। तो सबसे पहला है अब्जेक्ट पॉवर्टी, हम पॉवर्टी को कम नहीं कर पाए, ये हम सबसे बड़ा हमारा फेलियर है, ठीक है। देखो अगर ये पॉवर्टी को मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो आपको ये क्या करूंगा, मैं दो एग्जाम्पल की हेल्प से आपको मैं बताऊंगा। देखो गोल, हमने सोचा कि हर प्लानिंग हम लोगों ने सोचा कि हम क्या करेंगे, हम सबको इतना फूड देंगे कि एक हेल्दी पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन आराम से फूड को खा के 2508 कैलोरीज एनर्जी को क्या कर ली, गेन कर ली, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट में हुआ क्या, प्लानिंग से बच्चों फ्री एक पर्सन सिर्फ 2400 कैलोरीज सिर्फ फूड को खा के पा रहा था। मतलब कहीं ना कहीं उसे लेना इतना था फूड खा के, उसको 2508 कैलोरीज लेना था, लेकिन ले कितना रहा है, एक नॉर्मल पर्सन 2400 कैलोरीज ले रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वो खाना ले नहीं पा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, इसके कारण वो कैलोरी इतनी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सिर्फ 2400 कैलोरीज को गेन कर पा रहा है, लेकिन गेन करना चाहिए 2508 कैलोरीज को गेन करना था, फूड को नहीं ले पा रहा है, पैसे कम है, इसलिए कहीं ना कहीं वो कैलोरी उतनी नहीं ले पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, पॉवर्टी शो करता है, ठीक है, उनके पास पैसे नहीं है। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पुटअप किया है, देखो अराउंड पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या में 21.9% पीपल ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है इंडिया में। किसमें? बिलो पॉवर्टी लाइन में। मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन एक ऐसी सिचुएशन होती है बच्चों जहां पे आपको पता होगा कि हर बंदे को लाइफ में रोटी, कपड़ा, मकान, ये दो चीज चाहिए रहती है, लेकिन जो भी बंदा बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है उसके पास ना रोटी रहता है खाने के लिए, ना रहने के लिए जगह रहते हैं, ना पहनने के लिए कपड़े होते हैं। तो वैसी गरीबी आज भी इंडिया में है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इतने सारे पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन में, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या शो कर रहा है, पॉवर्टी को इंडिकेट कर रहा है जो हमारी प्लानिंग की हेल्प से पूरी नहीं हो पाई, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल्स बच्चों आपको एग्जाम्स में जैसा नोट्स में लिखा है वैसे आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स देके एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है बच्चों महंगाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, महंगाई। मुझे नहीं पता कि बेसिकली हिंदी में कैसे होगा महंगाई, ठीक है। तो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब प्लान, हमारा प्लान था कि महंगाई को कम करना, लेकिन हम प्लानिंग करके फेल हो गए क्योंकि उल्टा जो महंगाई कम होना था उल्टा बढ़ गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा प्लान क्या हो गया, फेल हो गया। तो आप अगर देखोगे एग्जाम्पल से, तो फर्स्ट ईयर प्लान में बच्चों ये सिर्फ फर्स्ट ईयर प्लान में हमारी महंगाई कम हुई थी, ठीक है। फर्स्ट ईयर प्लान कहाँ से, 1951 से था, 1951, 52, 52, 53, 54, 55, 56, मतलब 1951 से 1956 तक महंगाई कम हुई, लेकिन उसके बाद से, उस फर्स्ट ईयर प्लान के बाद से जितने भी सारे प्लान हुए सब प्लान में बच्चों महंगाई हमेशा बढ़ी है। सेकंड प्लान हो, थर्ड प्लान हो, फोर्थ प्लान हो, फिफ्थ प्लान हो, हर प्लान में क्या हुई है, महंगाई बढ़ी है। तो बस फर्स्ट ईयर प्लान था ये थोड़ा एक्सेप्शन केस था, लेकिन
बाकी सब में महंगाई क्या हुई है, बढ़ी है। सेकंड प्लान में इन्फ्लेशन किससे 6.2% से बढ़ा है, थर्ड ईयर प्लान में महंगाई 5.7% से बढ़ी है। तो बस फर्स्ट ईयर को छोड़ के बाकी सब प्लान्स में क्या हो रहे थे, महंगाई बढ़ते जा रही थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ थर्ड तक लिया, लेकिन ऐसे आप बुक में देखोगे तो आपके हर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी प्लान है, हर इसमें महंगाई आपको सिर्फ बढ़ते हुए दिखेगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा हमारा दूसरा फेलियर था प्लानिंग का। थर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। हम लोग ने प्लानिंग में बनाया कि इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा देना है, ये लोगों को रहने मतलब लोगों को काम करने के लिए एक जॉब मिल जाए, वो पैसा अर्न कर ले और अपना घर चला सके। लेकिन आज भी लोग क्या है, बेरोजगार है, उनके पास काम करने के लिए जगह नहीं है, काम करने की जगह नहीं है तो पैसा नहीं ला पा रहे, जिसके कारण वो पॉवर्टी में है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। देखो अगर आपको एग्जाम्पल से समझाओ तो फर्स्ट ईयर प्लान में 53 लाख पीपल अनएम्प्लॉयड थे, लेकिन 11th प्लान में आप देखोगे 4 करोड़ पीपल अनएम्प्लॉयड बढ़ गए। बच्चों समझ रहे हो, मतलब सिर्फ पहले फर्स्ट ईयर प्लान में सिर्फ 53 लाख पीपल थे जिनके पास नौकरी वोकरी नहीं था, लेकिन 11th प्लान में भी हम लोग ने देखा कि अरे यार 4 करोड़ लोग तो और बढ़ गए। मतलब फर्स्ट ईयर प्लान के एंड में, मैंने सॉरी यहाँ पे फर्स्ट ईयर प्लान के एंड में बच्चों देखा कि 53 लाख पीपल अनएम्प्लॉयड है, लेकिन जब हम लोग ने साल बीत गया और 11th प्लान हमारा आ गया, तो 11th प्लान के आखिरी में हम लोग ने देखा कि 4 करोड़ पीपल और बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, हमारी प्लानिंग का फेलियर है। डिफिसिट इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जानते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है, पावर आता है, रोड आता है, डैम आता है, ब्रिज आता है, हॉस्पिटल आता है, और भी सही बहुत सारी चीजें आती है। लेकिन आज भी क्या हॉस्पिटल अच्छा है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाना कितनी बेकार सिचुएशन होती है वहां पे। और जैसे रोड, आज भी रोड ढंग के बने नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डिफिसिट है, मतलब बेकार है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ फेल टू मैच द टारगेट ऑफ ग्रोथ। देखो ये पॉइंट ये कह रहा है कि जो हम लोग ने टारगेट बनाया था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ग्रो होना चाहिए था, वो एक्चुअल में ग्रो नहीं हो पाया और वो फेल हो गया। मतलब जो हमने टारगेट बनाया था उस टारगेट के हिसाब से वो ग्रो नहीं किया इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट का मतलब ये है। अब मेन रीजन क्या था सर इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो नहीं किया, तो बच्चे इसका मेन रीजन था शॉर्टेज ऑफ पावर। हमारे पास पावर की बहुत बड़ी कमी थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर हम अच्छा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो शॉर्टेज ऑफ पावर वॉज द मेन रीजन ऑफ हैम्परिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हैम्परिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों, हैम्परिंग का मतलब होता है रुकावटें। ठीक है, तो जो शॉर्टेज ऑफ पावर था ये हमारे रुकावट था, जिसके कारण हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा नहीं कर पा रही थी। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस। तो बच्चों डिफरेंस और बढ़ गया। हमारा गोल क्या था, हम लोगों ने प्लानिंग क्या की थी कि रिडक्शन इन सोशल इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को हटाना है, रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस को कम करना है और हटाना है। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, सोशल इनइक्वालिटी मतलब दोनों के बीच का, रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस है वो उल्टा बढ़ गया, रिच और रिच हो गया, पुअर और पुअर हो गया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब सिचुएशन ये हो गई कि पहले पहले क्या था, बेकार सिचुएशन थी कि रिच और पुअर के बीच में बहुत बड़ा गैप था, बेकार सिचुएशन थी। लेकिन प्लानिंग करते करते क्या हो गया, सिचुएशन बैड टू वर्स, मतलब बेकार थी अब और बेकार हो गई। अब दोनों के बीच का और डिफरेंस और बढ़ गया, रिच और रिच हो गया, पुअर और पुअर हो गया। ठीक है, तो बैड टू वर्स मतलब बेकार से और बेकार हो गया। अब बच्चों जब हमने देखा कि ये सारी प्रॉब्लम है, और एक चीज, हाँ यहाँ पे मैं और एक चीज यहाँ पे सितारा बना के मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके कारण सोशल इनइक्वालिटी जैसी बड़ा प्लानिंग हमारा फेल हो गया। ये वाला प्लानिंग जो उन्होंने किया था सोशल इनइक्वालिटी को कम करना है, तो ये तो फेल हो गया। तो गवर्नमेंट को क्या हुआ, तो गवर्नमेंट ने सोचा, मतलब ये गवर्नमेंट को फोर्स किया ये सिचुएशन, गवर्नमेंट को क्या किया कंपेल्ड, मतलब बच्चों होता है फोर्स करना, ये सिचुएशन क्या किया गवर्नमेंट को फोर्स किया टू ऑफर रिजर्वेशन इन जॉब्स एक्सेट्रा टू इकोनॉमिकल एंड सोशल वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। मतलब ये जो इनइक्वालिटी बढ़ गई ना दोनों रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस, तो इसको घटाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, एक रिजर्वेशन, जो आप जानते हो ना SC ST जॉब रिजर्वेशन, वो सारी चीजें किसको देना है,
जो भी कंट्री के जो भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब जो भी बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको क्या करना है, ये सारी फैसिलिटी देना है कि वो कहीं ना कहीं उठ पाए और एक रीच के स्टैंडर्ड में आ पाए। ठीक है, तो ये सिचुएशन गवर्नमेंट को क्या क्या फोर्स किया, टू ऑफर रिजर्वेशन इन जॉब, कि जो भी वीकर सेक्शन है उनको क्या करो, रिजर्वेशन दे दो। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और बताओ, पॉइंट तो पांच ही थे जो मैंने आपको डिस्कस कर लिया, एब्जेक्ट पॉवर्टी, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, डिफिसिट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्क्यूड SKEWED, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग ने ये सारी चीजें देखी, जब बच्चों हम लोग ने ये सारी सिचुएशन देखी, ये जब हम लोग ने सारी सिचुएशन देखी प्लानिंग फेल होने की, तो सबसे दो ही रीजन आया है, प्रिंसिपल फैक्टर क्या था, दो ही था जिसके कारण फेलियर, जो मतलब जितने भी प्लान थे वो फेल हुए थे, सिर्फ दो ही रीजन था, प्रिंसिपल फैक्टर मतलब इंपॉर्टेंट दो ही फैक्टर था जिसके कारण हमारे प्लान फेल हुए थे। पहला, लैक ऑफ सिंसेरिटी। ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे या फिर जो भी पीपल जिनको भी काम दिया गया कि प्लान को अच्छे से करना है, वो कहीं ना कहीं सिंसियर नहीं थे अपने काम काम के टूवर्ड्स। ठीक है, तो लैक ऑफ इनसिंसियरिटी मतलब वो कहीं ना कहीं सिंसियर नहीं थे अपने काम को लेकर, जिसके कारण हमारा प्लानिंग, जिसके कारण ये सारी सिचुएशन हो गई और प्लानिंग हमारा फेल हो गया। सेकेंड चीज है बच्चों, लैक ऑफ स्ट्रांग लीडरशिप, कोई ऐसा लीडर मिला ही नहीं जो अच्छे से प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है, तो लैक ऑफ स्ट्रांग लीडरशिप का मतलब यही है। तो दो ऐसे कारण थे, दो मेन कारण थे जिसके कारण जो मोस्टली प्लान थे, ये सारे प्लान ये मोस्टली फेल हो गए। ठीक है, तो सबसे पहला है लैक ऑफ सिंसेरिटी, और सेकंड है लैक ऑफ स्ट्रांग लीडरशिप, मतलब कोई बंदा, कोई लीडरशिप मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं था जो सारे प्लान को अच्छे से देख सके और इम्प्लीमेंट कर सके। अब ये सारी प्लान तो बच्चों फेल हो गए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, दिस लीड टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो बच्चों, मैंने आपको फीचर्स वाले इसमें एक चीज बताई थी, 1951 से 1991 के बीच का ये सारी सिचुएशन थी। ठीक है, ये सारी सिचुएशन थी, मैंने आपको पहले ही लेक्चर्स में बता चुका ये सारी सिचुएशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को निकाली। ठीक है, इस साल के बाद, किस साल के बाद सर, इस साल के बाद, किधर गया, 1951 और 1991 के इसके बाद। ठीक है, इस साल में क्या किया, एक पॉलिसी निकाली, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जहां पे ये जितना भी सिस्टम था ना, इसमें बहुत सारा चेंजेस लाया गया, जिसके जो मैं आपको चैप्टर सिक्स में सिखाऊंगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी जितने भी 1951 से लेकर 1991 तक ये सारी सिचुएशन हो गई बच्चों, लेकिन इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नई पॉलिसी ला दी 1991 तक। ठीक है, जो कि चैप्टर सिक्स में मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें क्या हो गया, ये सारी पॉवर्टी कहीं ना कहीं से और कम हो गई, और जितनी भी सारी चीजें हैं जैसे डिफिसिट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें और कहीं ना कहीं चेंज हो गई, जिसके बारे में मैं आपको चैप्टर सिक्स में बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए बताओ बस इतना ही, ये चीज अच्छे से नोट कर लेना, जैसे जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से नोट करना। ठीक है, नोट कर लो बच्चों पॉज करके, यही सारी चीजें आपको एग्जाम्पल समझानी है, और जैसे जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बताया, तो ये आपको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, चलिए, बाय, इंजॉय, टेक केयर, चीयर।